Hey, this is Kapil Dev Sharma and welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the advanced part of noun test paper जिसमें कि उसके answers and description है. अगर आपने first part attempt नहीं किया है तो ज़रा जाकर noun का first test paper ज़रूर attempt कीजिए, जहाँ पर आपको कई functionalities के तौर पर All India competition में जितनी common errors बनती हैं noun से लगभग सारी आपको describe करनी चाहिए. जो advanced part था जहाँ पर समझने की और समझाने की बहुत ज़रूरत थी, उसको मैंने एक separate list में last week upload किया. I'm sorry for the delay caused in uploading the answers and description of this video, but I'm pretty sure you're going to learn a lot of things from this video. So let's start noun and noun test paper advanced. The first sentence was, please excuse the troubles. Please excuse the troubles. अगर आप डायरेक्टली चेक करें, थोड़ी बहुत वर्ब की नॉलेज आपको भी होगी, तो एक्सक्यूज एक वर्ब होती है जो माफ करना दिखाती है. और मुझे माफ करना तो जायज होगा, उसे माफ करना जायज होगा, ट्रबल्स को माफ़ करना क्या जायज़ होगा कि गलतियों को माफ़ कीजिएगा. और दूसरी बात, बेसिक तौर पर गलतियां मिस्टेक्स होती हैं, ट्रबल एक तरह से मास नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में जाती है. तो मुझे माफ़ करें मेरी गलतियों के लिए वुड बी द बेटर स्टेटमेंट टू से. तो प्लीज़ एक्सक्यूज द ट्रबल्स का मतलब होगा गलतियों को माफ़ कीजिएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप उन गलतियों को माफ़ करें. गलतियां इंसान नहीं है जिन्हें माफ़ किया जा सकता है. आप मुझे माफ़ करें मेरी गलतियों के लिए वुड बी द प्रॉपर सेंटेंस टू से. So the proper correction of the first sentence would be, please excuse me for the trouble I have caused. Something like this. I repeat, please excuse me. Maafi mujhe maangni hai. Galatiyon ko maafi nahi maangni hai. Aur trouble basically uncountable sense mein trouble likhi jaati hai, na ki troubles. I repeat, please excuse me for the trouble I have caused. Jo maine aapke liye pareshani khadi kar di hai, uske liye mujhe maaf kijiyega. Please excuse me for the trouble I have caused. Excuse trouble को ना करें, मुझे माफ कीजिएगा. Moving on to the second statement, शायद आपके लिए बहुत कुछ नया हो. Scouts wear half pants. एक झलक में सुनने में अच्छा लगता है, सही तो है. Scout and guides के जो लोग होते हैं वो half pants पहनते हैं. सर हाँ, हमने भी उन्हें देखा है, वो half pants ही पहनते हैं. तो माफ कीजिएगा, आप इस शीट में कई ऐसी चीजें पाएंगे. दीज सेंटेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उन्हीं की प्रेस से मैंने लिए हैं, तो उनको गलत ठहराना मेरे और आपके बस की बात नहीं है. बट हाँ, विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हम इनके बीच का डिफरेंस और जान सकते हैं कि ये गलत हैं तो क्यों गलत हैं. जरा देखते हैं, कभी ऑक्सफोर्ड खोलकर देखिएगा डिक्शनरी में, आप पाएंगे पैंट्स का मतलब वो होता ही नहीं है जो आप जानते थे. आई रिपीट, पैंट्स उस चीज़ को नहीं कहा जाता जिसे आप जानते हैं. हमारी नज़र में पैंट्स वो चीज़ होती है जिसे हम फुल पहनते हैं, बिल्कुल नीचे तक पहना जाता है. ये अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है. अगर आप इसे ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करेंगे, जो हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है, तो पैंट्स हाफ को कहा जाता है. जैसे निकर्स और अंडर पैंट्स होते हैं, उन्हें इंग्लिश में पैंट्स कहा जाता है. आई रिपीट, आपको विश्वास नहीं है, ऑक्सफोर्ड खोल कर देख लीजिएगा. ब्रिटिश इंग्लिश में पैंट्स हाफ को कहा जाता है निकर्स, और अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स फुल को कहा जाता है, जैसे ट्राउजर्स होते हैं. तो यहां पर अगर आप इसका मीनिंगफुल सेंस देखना चाहें, कई बार कहा है, अगर कोई फर्स्ट इंसान है जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है, तो आपसे वापस कहना चाहूं कि हमारे भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ब्रिटिश इंग्लिश पूछी जाती है, जबकि आजकल के इंटरनेट की भाषा सारी अमेरिकन डिपेंडेंट हो चुकी है. तो कई चीज़ें जो हम बोलचाल की भाषा में सही लगती हैं, यार ये तो सही है, वो एग्जाम में सही नहीं होती, और इसीलिए कुछ नंबर हमारे कट जाते हैं. तो प्लीज़ नोटिस करें, पैंट्स मतलब ऑलरेडी हाफ है, आपने उसमें हाफ भी लिख रखा है. अब पैंट्स का भी हाफ कर दोगे तो समझिएगा क्या बचेगा, वो अंडरगार्मेंट्स ही बचेंगे. इसीलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग हाफ पैंट्स, आप उसकी जगह शॉर्ट्स यूज कीजिए. हाँ जी, ये शब्द हमने भी सुना है, शॉर्ट्स. आई रिपीट, पैंट्स ब्रिटिश इंग्लिश एक तरह से हाफ को दिखाता है, अमेरिकन में फुल होता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करने लगे हैं. और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, यानी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग, अगर पैंट्स का हाफ कर देंगे तो वो कोई कॉलम नहीं रखता है. इसलिए हाफ पैंट्स ना कहकर उसे शॉर्ट्स कहिएगा. द करेक्शन मस्ट बी स्काउट्स वेयर हाफ पैंट्स, जी नहीं, स्काउट्स वेयर शॉर्ट्स. शायद आपके लिए नया था. एक बार फिर से इसी सेंटेंस को एक नए सिरे से देखते हैं. ऑन सैटरडेज स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू वेयर व्हाइट पैंट्स. आई रिपीट, सैटरडेज को स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू वेयर व्हाइट पैंट्स. अब ये वही बात हो गई, अगर वो स्कूल का बच्चा है तो अच्छी बात है, पर जनरल तौर पर हम लोग जब पैंट्स पहनते हैं तो वो ऑलरेडी हाफ है, और हाफ पैंट पहनकर हम लोग कॉलेज तो नहीं जाते, हाफ पैंट्स पहनकर हम लोग स्कूल तो नहीं जाते हैं. इन दैट केस यहाँ पर पैंट्स नहीं, जैसा आपको अभी भी बताया, पैंट्स ऑलरेडी हाफ होते हैं, तो जो फुल लेंथ आप पहनते हैं उन्हें हमेशा ट्राउजर्स कहा जाता है. आई होप यू रिमेंबर, हम लोग सब आसपास ग्रेजुएट हैं या जॉब्स की तैयारी और इंटरव्यूज देते रहते हैं,
तो आप कभी खुद को नोटिस कीजिए ना, जब आपको नया इंटरव्यू देना होता है तो हम लोग मार्केट से जाकर पैंट्स नहीं खरीद कर लाते हैं, यार इस बार एक ट्राउजर्स खरीदने हैं, एक ट्राउजर खरीदना था जिसके लिए ऐसा ऐसा होगा। तो ट्राउजर कहें ट्राउजर्स कहें वो आपकी मर्जी है, वैसे ग्रामेटिकली ट्राउजर्स होता है, लेकिन शायद आपको याद हो तो वहां पर ट्राउजर्स खरीदते हैं इंटरव्यू के लिए, ना कि पैंट्स खरीदते हैं, बिकॉज ऑफिशियली ट्राउजर्स का मतलब फुल होता है और पैंट्स अमेरिकन इंग्लिश में फुल होकर ब्रिटिश में हाफ को दिखा पाता है। द सेम करेक्शन वी हैव टू से, स्टूडेंट्स आर वेयर सजेस्टेड टू वेयर वाइट ट्राउजर्स, ट्राउजर्स नॉट पैंट्स। तो सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में एक ही करेक्शन है, हाफ पैंट्स होते नहीं हैं, उन्हें शॉर्ट्स कहा जाता है, और वाइट पैंट्स पहनकर हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, हम लोग ट्राउजर्स पहनकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेटमेंट, राइट दिस इन योर कॉपी। बोलचाल की भाषा में इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये चीज गलत है, बट आई होप यू रिमेंबर, और कई लोगों को हमें से पता होगा कि कॉपी एक तरह से स्कूल में ही हमें करेक्ट कराया गया कि उसे कॉपी नहीं जिसमें आप लिखते हैं, उसे नोटबुक कहा जाता है। तो जरा कॉपी शब्द का मतलब देखें, कॉपी कहा जाता है किसी भी चीज के सेकेंड उसी की कॉपी को। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक नोवेल लिखी है और आप कहते हैं सर वो उसकी एक कॉपी हमें भी चाहिए, तो यानी एज इट इज ये बात कॉपी होती है, लेकिन जब हम किसी चीज में खाली जगह पर उस चीज को लिखते हैं तो उसे कॉपी नहीं कहा जाता, उसे नोटबुक कहते हैं, वो बुक जहां पर आप शायद नोट कर लेते हैं सारी चीजों को। तो ब्रिटिश इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश में हम कॉपी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी रफ कॉपी और इन चीजों के लिए। स्कूल में तो हमने यही सुना था रफ कॉपी फेयर कॉपी, बट शायद याद कीजिएगा स्कूल में आपको करेक्शन कराया गया होगा कि उसे हम नोटबुक कहते हैं ना कि कॉपी कहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग राइट दिस इन योर कॉपी, यू हैव टू से राइट दिस इन योर नोटबुक। कॉपी ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, हम बोलचाल में तो कई शब्द बोलते हैं, ग्रामेटिकली उसे आप नोटबुक कहिएगा, राइट दिस इन योर कॉपी ना होकर राइट दिस इन योर नोटबुक। द फर्स्ट सेंटेंस ट्रबल, एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल, हाफ पैंट्स की जगह शॉर्ट यूज करें, व्हाइट पैंट्स की जगह ट्राउजर्स लिखिएगा, और राइट दिस इन योर कॉपी, नॉट कॉपी नोटबुक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माय फैमिली मेंबर्स। एक झलक में तो सारे सेंटेंस नोवेयर लगते हैं, सही तो है, आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माय फैमिली मेंबर्स, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हॉलीडे मनाने के लिए वहां पर गया था। आई रिपीट, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। बोलचाल की भाषा के जितने शब्दों को आप सही मानते हैं वो हमेशा सही नहीं होते। फैमिली मेंबर इंग्लिश में कोई टर्म ही नहीं है, सुनने में ऑकवर्ड लगा, इसीलिए तो एडवांस्ड पार्ट लिखा था इसको, बेसिक थोड़ी ना लिखा है। इंग्लिश में फैमिली मेंबर जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। क्यों? फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है और मेंबर उसी की कॉमन नाउन है। कभी आपने सुना क्लास स्टूडेंट्स, वही वो क्लास स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास ऑलरेडी स्टूडेंट से बनती है, तो या तो क्लास कहिए एज अ कलेक्टिव नाउन या फिर स्टूडेंट्स कहिए एज अ कॉमन नाउन। क्लास स्टूडेंट कहने से क्या मतलब है? कभी आपने सुना टीम प्लेयर, वही विराट कोहली इज अ टीम प्लेयर, टीम प्लेयर नहीं होता, बिकॉज टीम में प्लेयर्स आते हैं, तो या तो उनको कह दीजिए पार्ट ऑफ द टीम, प्लेयर ऑफ द टीम, या फिर डायरेक्टली उन्हें प्लेयर कहिएगा। तो माइंड माई वर्ड्स, इंग्लिश में फैमिली मेंबर जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि बेसिकली जिनसे परिवार बनता है वो उस परिवार के सदस्य हो सकते हैं, तो फैमिली मेंबर नहीं होता, द मेंबर ऑफ द फैमिली या द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कहना सही माना जाता है। आई रिपीट, आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माई फैमिली मेंबर्स कहना थोड़ा गलत होगा, उसकी जगह पर आप मेंबर्स ऑफ माई फैमिली कहिएगा। ध्यान रखिएगा ब्रिटिश इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में फैमिली मेंबर को सही नहीं माना जाता। आप कभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शायद वापस टकराए। बोलचाल की भाषा के अकॉर्डिंग जज मत कीजिएगा, हम लोगों को वो इतने स्टैंडर्ड नहीं है कि जो हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें सही होती हैं। फैमिली मेंबर कहना गलत होता है, मेंबर ऑफ द फैमिली कह दीजिएगा। ठीक उसी तरह जैसे हम टीम प्लेयर नहीं कहते, हम प्लेयर ऑफ द टीम कहते हैं, प्लेयर्स ऑफ द टीम कह देते हैं, हम लोग क्लास स्टूडेंट ना होकर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन अपनी कॉमन नाउन के जस्ट बगल में नहीं लिखी जाती। फैमिली मेंबर गलत है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली कहिएगा। There is no place in the compartment. मुझे याद है मैंने बेसिक के एक सेंटेंस को छोड़ दिया था और वो कुछ ऐसा ही था, There is no place in the compartment. आइए जरा हिंदी में देखें इसको। तो हिंदी, कंपार्टमेंट में जगह नहीं है। सर सही तो है, प्लेस मतलब जगह। सर मेरी कार में जगह नहीं है, There is no space in my car. सर सही तो है, गलत है। सर हमारी बेंच पर चौथे बंदे को बिठाने के लिए जगह नहीं है, देर इज नो प्लेस ऑन द बेंच, देर इज नो स्पेस ऑन द बेंच। ये सारे एग्जाम्पल्स गलत हैं। इन सब में एक करेक्शन होगा, सर मेरी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, देर इज नो स्पेस टू पार्क माय कार, गलत। ब्रिटिश इंग्लिश फॉर्मल इंग्लिश में यहां पर रूम लिखा जाता है। रूम, रूम मतलब तो वो होता है ना चार दीवारी का बंद कमरा, माफ कीजिए आप गलत जानते हैं। जरा कभी डिक्शनरी खोलकर पढ़िएगा तो रूम का बेसिक मतलब होता है
आई रिपीट, रूम का बेसिक मतलब होता है एनी ब्लैंक स्पेस दैट कैन बी यूटिलाइज सम वर्क. आई रिपीट, कोई भी ऐसी खाली जगह है जिसको काम में लिया जा सकता है, रूम कहलाती है. तो ज़रा प्रैक्टिस के तौर पर और प्रैक्टिकली कुछ शब्दों को बोलना चाहूँ, जब हम मकान खरीदते हैं और दूर से ही एक अंदाज़ा लगाते हैं यार वहाँ पर हम सो जाएंगे, वो जो जगह है ना वो सोने के लिए रखी जाएगी, ये नहाने के लिए है, ये इस काम के लिए है, उस काम के लिए है, तब जाकर हम उसे बेड रूम कहते हैं. तो रूम का मतलब वो दीवारें बनाने से नहीं होता. अगर ऐसा है, एक सेकेंड में पहुँचूँ वहाँ पर, तो वो बेडरूम वो जगह है जहाँ पर हम सोते हैं, ना कि वहाँ पर दीवारें होती हैं, इस बात का कोई रिफ्लेक्शन उस पर नहीं होता. हम लोग वॉशरूम जिसे कहते हैं वो जगह होती है जहाँ पर हम नहाने जाते हैं. भैया आपके घर में वो जगह कहाँ पर है जहाँ हम नहाते हैं? ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर चार दीवारें बनी हों, इसीलिए उसे वॉशरूम कहा जाता है. अगर आपको फिर भी मेरे शब्द ऑकवर्ड लगते हैं तो ज़रा सुनिए. क्रिकेट में हम लोग कहते हैं कि युवराज सिंह ने बहुत अच्छा रूम बनाकर खेला है. युवराज सिंह कोई ठेकेदार हैं जो क्रिकेट स्टेडियम पर पहले रूम बनवाएंगे, चार दीवारें, फिर वहां पर खेलते हैं? आप नोटिस कीजिएगा, क्रिकेट में हम लोग रूम शब्द का इस्तेमाल बाखूबी करते हैं. तो वहां रूम के लिए कमरे नहीं बनते, दीवारें नहीं बनती. उस रूम से भी यही मतलब है कि दो फील्डर्स के बीच में जो जगह थी, खाली जगह थी, उन्होंने अपने काम में लिया और उससे बाउंड्री हिट की, इसीलिए उसे रूम कहा जाता है. तो ज़रा माइंड माई वर्ड्स, जो मैं कहना चाह रहा हूँ. स्पेस मतलब खाली जगह होती है, और कार में खाली जगह हमेशा है. अगर आप चार लोग पीछे बैठ भी गए हैं तो आपके चेस्ट के ऊपर खाली है, वो सामने जगह खाली है, पीछे जहां पर बॉटल रखी है पानी की वहां खाली है, इधर खाली है, लेकिन हाँ, शायद इंसान के बैठने लायक जगह वहां पर नहीं है, इसीलिए उसे रूम कहा जाता है. जब हम लोग बेंच पर किसी बच्चे को बिठाने की बात करते हैं तो वहाँ पर जगह तो होती है. क्या चार लोग बैठने के बाद बेंच पर एक पेन नहीं रखा जा सकता? ऑब्वियसली रख सकते हैं, लेकिन हाँ भाई, एक बंदे को बिठाने लायक जगह नहीं है, स्टूडेंट बैठा है, उतनी जगह तो मेरे पास नहीं है, इसीलिए उसे रूम कहा जाता है. तो ग्रामर, स्पेस मतलब खाली जगह, अंतरिक्ष के तौर पर जैसे आप कहते हैं उसे स्पेस कहा जाता है, उस पर बैठना उठना जैसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. प्लेस जिसे आप कहते हैं वो अक्सर शहर और टाउन को दिखा पाता है. दिल्ली इज़ अ नाइस प्लेस, ग्वालियर इज़ अ नाइस प्लेस, गोवा इज़ अ नाइस प्लेस. यहाँ पर प्लेस का इस्तेमाल करें, एक बेंच पर प्लेस तो वैसे भी नहीं हो सकती. और जनरल तौर पर जब हम लोग ये एग्जाम्पल यूज़ करना चाहें तो मैं सारे एग्जाम्पल सही तौर पर बोलता हूँ. देर इज़ नो रूम इन माई कार, मेरी कार में जगह नहीं है, ना कि प्लेस और स्पेस शब्द का इस्तेमाल करें. आई रिपीट, देर इज़ नो रूम इन माई कार. देर इज़ नो रूम टू सिट, बैठने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ बैठें? देर इज़ नो रूम टू सिट, देर इज़ नो प्लेस टू सिट और स्पेस टू सिट इंग्लिश में गलत है, पुराने पेपर्स उठाकर देख लीजिएगा. भाई यहाँ से थोड़ा निकलने के लिए जगह करेंगे मेरे लिए? देर इज़ नो रूम टू पास, देर इज़ नो रूम टू पास. गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, देर इज़ नो रूम टू पार्क माई कार. और आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, जगह नहीं है, देर इज़ नो रूम टू लिसन टू योर, जो भी आप कहना चाहें. तो इन सारी एग्जाम्पल्स में हमेशा रूम शब्द का इस्तेमाल करें, ना कि प्लेस और स्पेस का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी सॉ अ जोकर एट द सर्कस, वी सॉ अ जोकर एट द सर्कस. हमने सर्कस में एक जोकर देखा था, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट माफ कीजिएगा गलत है. एक ट्रेडिशनल एक लाइन बोलना चाहूँ कि इंग्लिश में ज़्यादातर वर्ब्स को ई आर या ओ आर लगाकर नाउन बिहेवियर दिया जाता है उसका डूअर बनाने के लिए. आई रिपीट, इंग्लिश में किसी भी वर्ब में ई आर ओ आर लगाकर उसकी नाउन बना दी जाती है उसके डूअर के लिए, जो वो काम करता है. मेरे ही शब्द को ले लीजिए, द वन हु डज समथिंग, वो जो कोई काम कर लेता है उसे डूअर कहा जाता है. तो डू में ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ज़रा नोटिस करते हैं, वो जो चीज़ कूल करती है, ठंडा करती है, उसे हम कूलर कहते हैं. वो जो चीज़ हीट करती है, गर्म करती है, उसे हम हीटर कह देते हैं. इनको हमने अपनी कंपनी में मैनेज करने के लिए रखा है, तो ये हमारी कंपनी के मैनेजर हैं. उनको हमने यहाँ पर लीड करने के लिए रखा है डिफेंस में, तो वो यहाँ के लीडर कहे जाते हैं. वो गाना गाता है, सिंग करता है, ही इज़ अ सिंगर. भाई वो डांस करता है, डांसर, ETC. तो जोकर को कभी डिस्टिंग्विश करना चाहें, द वन हु जोक्स, आई रिपीट, द वन हु जोक्स इज कॉल्ड जोकर. लेकिन हम लोग जब सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ हम लोग जोक करने वाला तो हमें कोई नहीं मिलता जो खड़े होकर हमें जोक्स सुनाता है. हमें कोई ऐसा दिखता है जिसने अपने कपड़ों से हमें आकर्षित किया होगा. माफ कीजिएगा, उसे जोकर नहीं, क्लाउन कहते हैं, CLOWN. आई रिपीट, जोकर शब्द से सुनने से हमें
सर्कस याद आता है लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है। एक हमेशा लाइन कही है, शायद आप वापस मुझसे सुनेंगे, कि हर चीज़ जो हमें सही लगती है अगर सही होती तो एग्जाम में फिर नंबर कहाँ कटते हैं। वो चीज़ यही गलती दिखाती है। जोकर उसे कहा जाता है जो अपनी बातों से आपको, अपने जोक्स से आपको हंसाता है। जोकर लीड करता है, लीडर मैनेज करता है, मैनेजर गाना गाता है, सिंगर। लेकिन हाँ, जिसे हम सर्कस में देखकर ही खुश हो जाते हैं, जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कुछ ऐसे नाक वाक पर पहनकर आते हैं, देखा होगा अपने आउटफिट्स के लिए, कपड़ों के लिए, उन्हें क्लाउन कहा जाता है, CLOWN। सो वी सॉ अ जोकर एट द सर्कस, और जोकर को देखकर आप क्यों हंसेंगे, जोकर को सुनकर हंसा जा सकता है, तो आप क्लाउन को देखकर हंसे थे, इसीलिए वी सॉ अ क्लाउन एट द सर्कस, नॉट वी सॉ अ जोकर एट द सर्कस। ही इज अ टॉल जेंटलमैन, ही इज अ टॉल जेंटलमैन। सर नो एरर लग रहा है, इसमें तो कोई गलती हमें नहीं दिख रही, ज़रा नोटिस करते हैं। तो ही इज़ अ टॉल जेंटलमैन, कभी नोटिस कीजिएगा, मैन शब्द से हम आदमी दिखा देते हैं और बॉय और गर्ल से दिखा देते हैं। जेंटलमैन कहना उसके आदमी और औरत होने को नहीं दिखाता, शायद उसके कैरेक्टर को दिखाता है, उसकी क्वालिटीज़ को दिखाता है, उसकी नोबल चीज़ों को दिखाता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है भाई, वो तो जेंटलमैन है भाई, बहुत सभ्य है, ऐसा है वैसा है। तो आपका कैरेक्टर जब आप रिफ्लेक्ट करना चाहें, आपकी जब क्वालिटीज़ आप दिखाना चाहें, तब किसी से जेंटलमैन कहा जाता है। जेंटलमैन उसकी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपको लगता है कि टॉल जेंटलमैन में मतलब बड़ा जेंटलमैन हो जाएगा, बड़ा क्वालिटीज़ हो सकती हैं उसकी, माफ़ कीजिएगा, उसकी हाइट टॉल रही होगी ना। तो जब भी आप जेंटलमैन यूज़ करें, उसके लिए बिग टॉल जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये कैरेक्टर है, और कैरेक्टर और बिहेवियर किसी का टॉल या स्मॉल या टाइनी या ऐसे शब्द नहीं हो सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड, किसी का कैरेक्टर टॉल नहीं हो सकता। कैरेक्टर कैसे लंबा होगा? आदमी लंबा हो सकता है, कैरेक्टर और बिहेवियर और लहजा लंबा छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ से दो करेक्शन हो सकते हैं, दो तरह से करेक्ट किया जा सकता है। या तो टॉल हटा दीजिए इस बात को दिखाने के लिए कि वो बहुत अच्छा इंसान है, ही इज़ अ जेंटलमैन, या फिर अगर टॉल लिखना है, उसकी हाइट दिखानी है, तो वो आदमी लंबा है, वो कैरेक्टर लंबा नहीं है, इसीलिए यहाँ से जेंटल हटा दीजिएगा। तो यू कैन से दिस इन ईदर वे कि ही इज़ अ जेंटलमैन और ही इज़ अ टॉल मैन। टॉल जेंटलमैन कहना गलत होगा। सिमिलरली आई सॉ टू फीमेल्स, मैंने दो फीमेल देखी थी। बोलचाल में तो हम कुछ भी बोलते हैं, हर चीज़ ग्रामेटिकल नहीं होती। फीमेल कहना आपके सेक्स और जेंडर को दिखाता है, लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे सेक्स और जेंडर नहीं कहना, मुझे कहना है कि मैंने बॉय देखा था या गर्ल देखी थी, मैंने मैन देखा था या फिर वुमेन देखी थी। इसीलिए फीमेल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मत कीजिएगा। जब आप किसी को जनरल रिफ्लेक्शन देते हैं तो वहाँ पर फीमेल ना होकर वुमेन या फिर वुमेन कहा जाता है, प्लूरल या फिर सिंगुलर शब्दों में। तो आप ये कह सकते हैं आई सॉ टू वुमेन, आई सॉ टू गर्ल्स कह दीजिएगा। एक और शब्द होता है यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहूँ, लेडी। जैसे हम किसी इंसान के मेल के कैरेक्टर को दिखाने के लिए जेंटलमैन शब्द के लिखते हैं, वैसे ही किसी फीमेल को कैरेक्टर, फीमेल का कैरेक्टर दिखाने के लिए लेडी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ अ लेडी, यानी बहुत अच्छी औरत है वो। लेडी शब्द भी आपका कैरेक्टर दिखाता है, आपका बिहेवियर, आपके मैनर्स दिखाता है। तो लेडी में भी टॉल लेडी नहीं आ सकता है। हम लोग तो बोल देते हैं शी इज़ अ टॉल लेडी, वो तो बहुत लंबी लेडी है। लेडी टॉल कैसे होगी? वुमेन टॉल हो सकती है। तो ना ही टॉल जेंटलमैन होते हैं आपके कैरेक्टर के लिए। फीमेल शब्द जेंडर के लिए आता है, सेक्स के लिए आता है, वो भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो आई सॉ टू फीमेल्स मत कहिएगा, आई सॉ टू वुमेन कह दीजिए, आई सॉ टू गर्ल्स कह दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही टुक इंसल्ट एट दिस, भाई वो तो बुरा मान गया इस बात का, ही टुक इंसल्ट एट दिस, नो एरर। पता नहीं, मुझे भी सही लग रहा है वैसे तो, लेकिन गलत है। नोटिस कीजिएगा, टेक के साथ अक्सर ऑफेंस लिखा जाता है, बताऊंगा क्यों। टेक शब्द के साथ आपने सुना भी होगा टेक ऑफेंस, और हिंदी में भी कहते हैं, बुरा मत मानिएगा भाई, बुरा मत मानिएगा, इसे इंग्लिश में टेक ऑफेंस कहा जाता है। अब टेक ऑफेंस से यही मतलब है, जनरल तौर पर ऑफेंस वो चीज़ होती है जो इंसान खुद लेता है, भाई बुरा मत मानिएगा, आप खुद बुरा मानेंगे। इंसल्ट हमेशा दूसरे के द्वारा की जाती है, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मैंने खुद की इंसल्ट नहीं की होगी, कर सकते हैं वो अलग बात है, बट मैंने इंसल्ट ले ली ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ मैंने बुरा मान लिया उस बात का, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो ऑफेंस और इंसल्ट में डिफरेंस है, ऑफेंस हम खुद लेते हैं, नो ऑफेंस प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ उसने मेरी इंसल्ट कर दी, तो इंसल्ट करने के लिए दूसरा होना अनिवार्य है। तो जहाँ यहाँ जो लिखा हुआ है, ही टुक इंसल्ट एट दिस,
अब शायद उसने बुरा माना होगा, इंग्लिश लिखी है उसी बात की, उसने बुरा मान लिया, तो बुरा मानने के लिए टेक ऑफेंस कहा जाता है, ना कि टेक इंसल्ट। इंसल्ट दूसरा करता है, ऑफेंस इंसान खुद हो सकता है। टेक ऑफेंस मस्ट बी आंसर। सो द फर्स्ट वन वॉज, आई मीन टू दिस से दिस फिफ्थ सेंटेंस इन दिस कैटेगरी ऑन द स्लाइड इज, I spent the holidays with the members of my family. Family members nahi hai. There is no room in the compartment, room in the car, room on the bench, room to park my car or room here. Cricket mein bhi to room hota hai. We saw a joker, na hokar, clown at the circus. He is a tall man. I saw two women or he took offense at this. Moving on to the next slide. The box contains pens, papers and others. बॉक्स में ना पेन पेपर वगैरह ये सब पड़ा होगा। आशा करता हूँ कि आपको याद हो, पेन काउंटेबल नाउन है, पेन गिने जा सकते हैं दो पेन, लेकिन पेपर पेपर शायद एक मटेरियल नाउन है। तो किसी बॉक्स में पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा, और भी चीज़ें, रबर वगैरह ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। पेपर को कहाँ गिनेंगे आप, ये वही गलती है। पेपर एक कागज़ मटेरियल को कहते हैं, पेज हो सकते हैं, पेपर्स नहीं हो सकते। तो पेपर मटेरियल होकर अनकाउंटेबल जाता है, कागजात की बात यहां हो नहीं रही है। किसी भी छोटे से हमारे ड्राइंग बॉक्स में कागजात नहीं रखे जाते, वहां तो भाई कागज का टुकड़ा हो सकता है, आप पीस ऑफ पेपर लिख सकते हैं, या फिर पेन होगा, पेंसिल होगा, ऐसी चीजें हमारी रखी जा सकती हैं। आई रिपीट, द बॉक्स कंटेन्स पेन्स, अ पीस ऑफ पेपर या फिर पेजेस एंड अदर आइटम्स सच लाइक दैट। तो पेपर्स ना लिखें, पेपर कागज को कहते हैं, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, एससीएस लगाकर नहीं लिखा जाता। द बॉक्स कंटेन्स पेन, पेन्स हो सकते हैं, पेपर और अदर आइटम्स। आई पास्ड द नून ऑन द स्टडी। अब आपको ऑन द स्टडी बुरा लग रहा होगा, सर ऑन द स्टडी नहीं, इन द स्टडीज, पढ़ाई में, पढ़ाई के दौरान, प्रपोजिशंस हैं, बाद में बात करेंगे, हाल फिलहाल सिर्फ नाउन के लिए है, वो सही लिखा है, ऑक्सफोर्ड से लिया है भाई। आई पास्ड द नून ऑन द स्टडी। शायद हम लोग जानते हो कि नून दिन का वो भाग है जो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, 12 बजे, 12:00 PM यू कैन से। तो मैंने पूरा दिन खराब कर दिया और दिन लगा दिया पढ़ने में। तो दिन कहने के लिए आपको यहां पर नून का इस्तेमाल नहीं करना, नून सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। और आप एक पल में कैसे पढ़ सकते हैं, आपने तो दिन भर पढ़ा होगा, सुबह से शाम पढ़ा होगा, या पूरा दिन, या जैसे भी आप कहना चाहें, एक पल को पढ़ने में व्यस्त और निकाला कैसे जा सकता है। तो या तो ये कहिए, आई पास्ड द आफ्टरनून, मैंने पूरी दोपहर खराब की, आफ्टरनून कह दीजिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। आई पास्ड द मॉर्निंग कह दीजिएगा, इवनिंग कह दीजिएगा, नाइट कह दीजिएगा, या फिर आप जनरली नून को फिर ऐसे मान सकते हैं, आई पास्ड द मिडल ऑफ द डे। आई पास्ड द मिडल ऑफ द डे, दिन भर मैंने पढ़ाई की और पूरा दिन। अब वो दिन शब्द को मिडल ऑफ द डे कह सकते हैं नून को दिखाने के लिए। नून चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसीलिए उसके लिए कभी भी पास शब्द का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, वो भी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में आप एक पल में नहीं पढ़ सकते, नून का इस्तेमाल मत करिए। मॉर्निंग कहिए, इवनिंग कहिए, आफ्टरनून कहिए, मिडल ऑफ द डे कह दीजिएगा, सारी चीजें पॉसिबल हैं। नून कहना गलत जाएगा एज अ पॉइंट ऑफ टाइम। द बैक साइड ऑफ द हाउस इज डर्टी, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई रिपीट, द बैक साइड ऑफ द हाउस इज डर्टी। भाई हमारे घर का ना जो बैक साइड है वो गंदा हो चुका है। करेक्शन प्लीज, लिखिए जरा कमेंट्स में। आपकी नज़र में नो एरर होगा, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा से इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि हमें वही ग्रामर लगती है, और हम मानने वाले हैं नहीं किसी की। ज़रा ऑक्सफोर्ड खोल लीजिए, मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करने की परमिशन देता हूँ। आप इसे पॉज करके और ज़रा ऑक्सफोर्ड खोल कर देखें कि बैक साइड का ब्रिटिश इंग्लिश में मतलब क्या होता है। ज़रा चेक कीजिए, 5 सेकंड्स प्लीज़। अगर चेक किया हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बैकसाइड इंसान के हिप्स को कहा जाता है, बैकसाइड इंसान के बटक्स को कहा जाता है। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। अब मेरे घर का बैकसाइड कैसे हो सकता है? तो पहली चीज़, जिसे आप बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, वो फिर से अमेरिकन शब्द है। अमेरिकन्स यूज़ करते हैं बैकसाइड कहना किसी भी चीज़ के पीछे के पार्ट के लिए, और वहाँ भी बैक अलग और साइड अक्सर अलग लिखा जाता है। यहाँ जो आपने बैकसाइड लिखा है, मैंने टाइम दिया था पॉज करने का, या अभी पॉज करके देख लीजिएगा। बैकसाइड का ब्रिटिश इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में मतलब आपके हिप्स से होता है, और घर के हिप्स नहीं हो सकते, इसलिए सेंटेंस गलत है। द बैक साइड ऑफ द हाउस इज डर्टी कहना गलत होता है। आप बैकयार्ड कहिए ना,
आपने सुना होगा बैकयार्ड ऑफ द हाउस, आप बैक कह दीजिए। बैक का मतलब ही होता है किसी के पीछे का हिस्सा, लेकिन हमें तो आदत पड़ी है फ्रंट साइड, बैक साइड, ये सारे अमेरिकन टर्म आपने व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम से सीख लिए हैं, जो बोलचाल की भाषा में अच्छे लगते हैं, ग्रामर में आते ही हमें तो सही लगते हैं, एग्जाम में गलत हो जाते हैं, हमारे नंबर कट जाते हैं। बैक साइड ब्रिटिश इंग्लिश इंसान के हिप्स को दिखाती है और घर के हिप्स नहीं हो सकते। द बैक ऑफ द हाउस इज डर्टी। आई रिपीट, द बैक ऑफ द हाउस इज डर्टी। आई टुक अ बाथ इन द सी, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं आता बट जितना आता है, वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंसेज और वर्ड्स आई हैव कम अक्रॉस, जितना मुझे मिला है उसमें से बहुत बढ़िया सेंटेंस, और डिस्क्रिप्शन रखना चाहूँ ऐसा क्यों, करेक्शन होगा। वैसे भाई मुझे तो सही लग रहा है, आई टेक अ बाथ, टेक अ बाथ हमने रटा भी है, एक फ्रेज होती है टेक अ बाथ, तो टुक अ बाथ लिखना सही तो है सर, करेक्शन कहाँ है, तो भाई मुझे नहीं पता। लेकिन ज़रा नोटिस कीजिए, इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेशली, बी ए टी एच, बाथ, नहाना, नहाना मतलब खुद को क्लीन करने के पर्पज से पानी में इमर्स होना या फिर जाना या फिर खुद पर पानी डाल देना, वो बी ए टी एच बाथ होता है। इंग्लिश में एक और वर्ब होती है बी ए टी एच ई, बी ए टी एच ई, जिसे बेद कहा जाता है, तो हम तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में बेद का मतलब होता है पानी में एंजॉयमेंट के पर्पज से जाना। जैसे हम लोग उस बीच पर गए और 4 घंटे तक नहाए थे, क्या आपने अपने शरीर को क्लीन करने के पर्पज से बीच पर गए थे? शायद नहीं। वहां पर हम एंजॉय करने गए थे, एक्साइटमेंट के लिए गए थे या फिर घूमने के पर्पज से गए थे, उस नहाने को इंग्लिश में बेद कहा जाता है, बी ए टी एच ई। आई रिपीट, चेक कीजिए ऑक्सफोर्ड से अगर मैं गलत हूं तो, अदरवाइज ट्रस्ट मी, इंग्लिश में बाथ ब्रिटिश इंग्लिश नहाने को कहते हैं, जिसमें हम शरीर को क्लीन करते हैं। सुबह जब हम डेली नहाते हैं तो शरीर को क्लीन करने का पर्पज होता है, कुछ लोग नहीं भी नहाते उसी केस में उसमें बाथ कहा जाता है लेकिन जब आप एंजॉयमेंट के पर्पज से कहीं जाते हैं तो फिर वो बाथ नहीं कहलाता, फिर वो बेद कहलाता है, बी ए टी एच ई। तो यहाँ पर करेक्शन वही है, आई टुक अ बाथ इन द सी गलत होगा, आई टुक अ बेद इन द सी, बिकॉज समुद्र में कोई भी शायद क्लीन करने के पर्पज से नहाने नहीं जाता, वहाँ हम जब भी जाते हैं बीच पर जाते हैं एंजॉयमेंट के पर्पज से जाते हैं, तो बाथ नहाना और बेद शरीर को साफ करना नहीं, खुद के एंजॉयमेंट के पर्पज से कहीं भी नहाने के लिए जाना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर बॉयफ्रेंड इज अ चीटर, योर बॉयफ्रेंड इज अ चीटर। शायद आप 15 मिनट से मुझे सुनते सुनते ये तो देख चुके होंगे कि कई शब्दों को जिनको हमने सही माना है वो सही है, मैं नहीं कह रहा गलत है, बट वो अमेरिकन इंग्लिश में सही है। तो यहाँ पर आते आते शायद हमें देखना पड़ेगा कि कई शब्द जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, टीवी मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक से सीखते हैं, क्या वो सही है। वन ऑफ देम, इंग्लिश में जिसे आप चीटर कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा वो गलत होता है, बिल्कुल हमने कई मूवीज में सुना है यू आर अ चीटर, भाई तुम तो चीटर हो, लेकिन आपने उन मूवीज में ये भी तो सुना होगा ही इज़ अ चीट, शायद कभी टकराया हो, हाँ तो ठीक है, नहीं तो कभी सुनिएगा, कभी तो टकराएगा। इंग्लिश में चीट भी कहा जाता है, जो धोखा देता है, तो डिफरेंस ध्यान रखें, आंसर बात की बात है। चीटर अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, चीटर अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, चीट ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है। तो जिसे आप चीटर कहते आए हैं वो अमेरिकन टर्म है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एग्जाम में फिर हमें ब्रिटिश चलानी है तो वापस ये सेंटेंस गलत हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग योर बॉयफ्रेंड इज अ चीटर, यू गॉट टू से योर बॉयफ्रेंड इज अ चीट। सुनने में अजीब लगा, एग्जाम वाले यही मानते हैं, आप चेक कर लीजिए डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, योर बॉयफ्रेंड इज अ चीटर, अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, तो हो सकता है कभी मूवी में आपको सुनने मिले लेकिन एग्जाम में कभी आया तो ध्यान रखिएगा वो गलत स्टेटमेंट है, आपको जज करने के लिए पूछा गया है, वहां पर हम लोग चीटर ना कहकर चीट कहेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश धोखा देने वाले को, धोखेबाज को चीट दिखाती है, चीटर जैसा ब्रिटिश इंग्लिश में कोई भी, यानी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कोई भी शब्द नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो एक बार वापस सारे करेक्शंस बोलूं, द बॉक्स कंटेन्स पेन्स पेपर कागज, नॉट काउंटेबल नाउन बिकॉज मटेरियल है। आई पास द मिडल ऑफ द डे, पूरा दिन मैंने पढ़ाई में व्यतीत किया। द बैक ऑफ द हाउस, घर के हिप्स नहीं हो सकते, बैक साइड नहीं हो सकता। आई टुक अ बेथ इन द सी बिकॉज नहाने नहीं गया था, मैं वहां एंजॉय करने गया था, और योर बॉयफ्रेंड इज अ चीट। नेक्स्ट स्लाइड, When I went to the Corbett National Park, I saw a flock of lions. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता नहीं हिंदी में हम flock किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे flock is a group of collective noun है sheep, भेड़ों के झुंड को flock कहा जाता है, flock of sheep होता है।
और इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन हर किसी के लिए डिस्टिंक्ट है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं आई सॉ अ हर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का झुंड देखा था, बच्चों की क्लास होती है, झुंड थोड़ी ना होता है। तो ध्यान रखें, लाइंस जो होते हैं यानी शेर होते हैं, इनके झुंड को इंग्लिश में प्राइड कहा जाता है, PRIDE। कुछ ऐसे याद रखें भाई, शेर जब चलता है तो अपने घमंड से चलता है, अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ यानी औकात से चलता है। तो प्राइड का मतलब हम भी तो कहते हैं गर्व, और शेर है गधा थोड़ी है, तो शेर जब भी चलेगा अपने गर्व से ही तो चलेगा, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। इंग्लिश में प्रिसाइजली प्राइड एक कलेक्टिव नाउन होती है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइंस। भाई कई शेरों के झुंड को इंग्लिश में प्राइड कहा जाता है। तो करेक्शन सी पार्ट में है, आई सॉ अ प्राइड ऑफ लाइंस नॉट अ फ्लॉक ऑफ लाइंस। फ्लॉक शीप का होता है, लाइंस के ग्रुप को, शेरों के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है, गर्व से, शानो शौकत से। ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन, सही है शायद, अक्यूज आरोप वगैरह को कहते हैं। तो ही हैड नो अक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। ध्यान दें, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामेटिकल आंसर्स। अक्यूज इंग्लिश में वर्ब होती है, ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, तो अक्यूज्ड कहने से वो वर्ब फॉर्मुलेशन रखती है, जिसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है वो ऑब्वियसली वर्ब होती है। लेकिन यहां मैंने इसको ही सब्जेक्ट है, हैड वर्ब है, नो इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। जैसे कोई दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन है, नो के साथ अक्सर नाउन आती है, तो नो के साथ वर्ब कैसे आ सकती है, ये थोड़ी कह दूंगा भाई मैं नहीं जा रहा, नो गो, नो के साथ में जब भी लिखेगा नो पेन, नो थिंग को जोड़कर भी तो हम लोग नथिंग बना लेते हैं, यानी कि आपको नाउन चाहिए एक एडजेक्टिव के बाद, इसीलिए अक्यूज कहकर यहां पर अक्यूज नहीं लिखा जाएगा, वो तो वर्ब है, नाउन बना लीजिए। तो एक्ट का हम शायद नाउन बनाते हैं एक्शन, ऑप्ट चुनना का नाउन बना देते हैं ऑप्शन, डिमॉन्स्ट्रेट समझाने का नाउन बना देते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। सिमिलरली अक्यूज का नाउन जाता है एक्यूजेशन। आई रिपीट, अक्यूज वर्ब है, आरोप लगाना किसी पर, एक्यूजेशन उसका नाउन वर्जन है। तो ही हैड नो एक्यूजेशन फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन, उस पर उसको अटैक करने का कोई भी आरोप नहीं था, एक्यूजेशन, बिकॉज एक एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन रखी जा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, He informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night. थोड़ा आपको एडवांस्ड होना पड़ेगा, इतने ईजी सेंटेंसेज नहीं है कि एक झलक में आप समझ पाएं, या तो आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है तब ठीक है, नहीं है तो मैं समझाना चाहूँगा, लेकिन उन शब्दों को प्रॉपरली समझें, बाकी चीज़ें भी आपको ज़रूरत दिखाती हैं। इंग्लिश कहती है कि जब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं तो वन ऑफ द वाली स्ट्रक्चर को सही नहीं माना जाता। एडवांस पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में जब हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं तो वन ऑफ द की स्ट्रक्चर को सही नहीं माना जाता। क्यों? रीजन, वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, कभी जज कीजिए, ये भी एक इंग्लिश का एरर है, मैं आपको शायद SVA में पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, हम लोग तो व्हाट्सएप पर लिख देते हैं, मेरे एक दोस्त के साथ में फोटो डाला मैंने, वन ऑफ माई फ्रेंड, कभी ग्रामर चेक करी, वन ऑफ माई फ्रेंड, जब आपका एक ही दोस्त है तो उसमें से एक कहां से आएगा, चूज करने के लिए एक से ज्यादा होना कंपलसरी है। आई रिपीट, मुझे एक नंबर में से एक नंबर चूज करके कैसे मिलेगा, हम लोग शायद 10 में से 2, 4, 5, 8 ना पाते हैं, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है। आई रिपीट, ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते होंगे हमें से कई लोग, जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान रखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कहा जाता है, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मूवीज, भाई बहुत सारी मूवी बनी है उनमें से कोई एक, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें से किसी एक का सिलेक्शन, या दो का या चार का। करेक्शन देखें, अगर ये जो लिखा हुआ है उसने मुझे बताया कि वो गया था, कहाँ गया था, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेज, आप तो इसकी हिंदी कर लेंगे आपको सही लगेगा, लेकिन करेक्शन के तौर पर वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल चाहिए। अब नाउन जैसे ही आपने प्लूरल की, वहां तो नहीं है, चेक कीजिएगा, मिनिस्टर लिखा है, अब मैंने मिनिस्टर्स कर दिया, अपोस्ट्रोफी एस जिसमें लगा होता है, जिसमें एस लगा होता है वहां पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, वहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी से काम चलता है, तो ये सेंटेंस कुछ बिगड़ जाएगा, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेज थोड़ा अजीब होगा, इसको प्रॉपरली लिखिए, आई एम सॉरी ये नहीं लिखा जाता, आप जज कीजिएगा। इसे लिखा जाएगा कि ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैज गॉन टू द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। आई रिपीट, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, बिकॉज इस सेंटेंस का पहली बात तो ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं है, और जो है टूटा फूटा उसका मतलब है एक ही मिनिस्टर के कई सारे रेजिडेंस में से एक जगह पर, लेकिन नहीं, वो किसी एक मिनिस्टर के, मिनिस्टर बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक के घर पर गया था, ऐसा सेंटेंस कहना चाहता है,
और बहुत सारे रेजिडेंसेज में आप रुकेंगे कहाँ पर, एक इंसान तो भी एक जगह पर रुक सकता है ना, इसीलिए ध्यान रखें वन ऑफ द के बाद जब भी अपोस्ट्रोफी एस वाली नाउन आती है उसे गलत माना जाता है, बिकॉज वो एम्बिग्यूटी पैदा करती है। एम्बिग्यूटी मतलब एक तरह से अस्पष्ट मीनिंग देती है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। बेहतर होगा आप इसे प्रिस्क्राइब लिखें, एंड द सेंटेंस मस्ट बी ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैज गॉन टू द रेजिडेंस घर ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। आई रिपीट, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, भाई किसी के घर पर, किसके, बहुत सारे मिनिस्टर्स में से किसी एक के घर पर वो गया था। वन ऑफ द के बाद apostrophe s वाली नाउन नहीं आती, उसे पूरा लिखा जाता है द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। मैनी ग्रेट साइंटिस्ट्स वर बॉर्न इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। बहुत सारे साइंटिस्ट्स का जन्म 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था, सही तो है, लेकिन कुछ लोगों को तो दिखा होगा यहां लिखने की गलती है। जब भी हम इस तरह से डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं दी 18th एंड 19th सेंचुरी, इसको लिखने के दो तरीके हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पॉज करके वीडियो इन चीजों को लिख सकते हैं जिसको जो चीज नहीं आती, बट ध्यान दें देवर बॉर्न इन, इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो दी 18th एंड 19th, अब दो हो गई 18th एंड 19th सेंचुरीज कर दीजिए, फर्स्ट करेक्शन, और एक तरह का करेक्शन दी 18th एंड 19th सेंचुरीज, या फिर एक काम करें इसे इस तरह लिख दीजिए इन दी 18th 18वीं एंड द 19th सेंचुरी और 19वीं शताब्दी। आई रिपीट, या तो आर्टिकल एक और लगा दीजिए दी 18th सेंचुरी द 19th सेंचुरी, यानी कि दी 18th एंड द 19th सेंचुरी, सेंटेंस सही रहेगा 19th के पहले आर्टिकल लगाकर, ये लिखने का तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। इस बात को फर्दर डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल में समझाना चाहूंगा, या फिर एक काम करिए 18वीं और 19वीं, अब तो दो हो गई शताब्दी, सॉरी सेंचुरीज कह दीजिएगा। आई रिपीट, द आंसर मस्ट बी द 18th एंड द 19th सेंचुरी, या फिर द 18th एंड 19th सेंचुरीज कह दीजिएगा, दोनों तरह से लिखना जायज होगा। एक सैंपल देना चाहूं, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, या फिर द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक। आई रिपीट, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर और द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, द 18th एंड द 19th सेंचुरी या द 18th एंड 19th सेंचुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द डेवस्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेनी वॉर्स। भाई बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग कहा जाता है, मेरे पर्सनल फेवरेट वीरेंद्र सहवाग हैं और सहवाग के लिए हमेशा डेवस्टेटिंग बैट्समैन कहा जाता है, भाई तोड़ फोड़ करने वाला, जो बिल्कुल क्या बोलूं, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन यू कैन से। तो डिस्ट्रक्टिव को, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आप बेहतर जानते हैं, को इंग्लिश में डेवस्टेटिंग भी कहा जाता है। द डेवस्टेटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी वॉर्स टॉट सम कंट्रीज, कुछ देशों को तो उन्होंने सिखाया, द नेसेसरी ऑफ परस्यूइंग पीस एट द, देखा जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहां देखूं द नेसेसरी ऑफ, ग्रामेटिकल थोड़ा आपको आगे एडवांस्ड होना पड़ेगा क्योंकि एडवांस टेस्ट है। नेसेसरी इंग्लिश में, आई एम सॉरी, आंसर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन क्या है? नेसेसरी इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, दिस इज नेसेसरी, ये काम तो जरूरी है, और आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव नहीं आएंगे, आर्टिकल के बाद आपको नाउन रखनी होगी, द बॉय, द गर्ल, द मैन, दिस मैन, नेसेसरी एडजेक्टिव होता है और मुझे यहां पर नाउन चाहिए, तो नेसेसरी जरूरी की नाउन फॉर्मुलेशन जरूरत नेसेसिटी कहलाती है। नेसेसरी इंग्लिश में एडजेक्टिव है जिसका नाउन वर्जन नेसेसिटी से बनता है, जरूरत से बनता है। तो सेंटेंस कुछ ये रहेगा, द डेवस्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेनी वॉर्स टॉट सम कंट्रीज द नेसेसिटी ऑफ परस्यूइंग पीस, यानी इस बात की जरूरत को समझाया या दिखाया, ना कि जरूरी को समझाया और दिखाया। जरूरी एडजेक्टिव है, नेसेसरी जरूरत आर्टिकल के बाद आने के लिए नाउन के तौर पर नाउन बिहेवियर देगी। तो द नेसेसिटी ऑफ परस्यूइंग पीस, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन लिखी जाती है। He has built a big house. उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया है on the outskirt of the city. कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं ध्यान रखें, outskirt कोई पहनने वाला कपड़ा नहीं है, outskirt, mini skirt, इस तरह से हमें skirt लगे, किसी भी, जी हाँ, किसी भी शहर के आसपास के एरिया को, और एक तरह से बाहरी एरिया को, जहाँ शहर होता है लोग रहते हैं उसके बाहर का इलाका, कई बार जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह बनाई जाती हैं उसे इंग्लिश में आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। आई रिपीट, एस लगा दीजिएगा, आउटस्कर्ट्स। तो बेसिकली आउटस्कर्ट नहीं होता एज अ नाउन, प्लूरल नाउन, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है वो एरिया
जिससे कि शहर के बाहर का जो पार्ट होता है उसे इंग्लिश में आउटस्कर्ट्स कहते हैं. तो ही हैज बिल्ट अ बिग हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, नॉट आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वन, ही डिडंट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर. ही डिडंट अप्रूव ऑफ हिज सन, सन यहाँ नाउन है, ऑब्वियसली बेटा नाउन में आता है. ये रेजिंग क्या है, अब एडवांस पार्ट है, हम सॉरी अगर आपको कई चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आप उनके पार्ट ऑफ स्पीच वाले फंक्शन को कभी पढ़िएगा, शायद क्लैरिटी दे पाऊंगा. हाल फिलहाल शायद हर चीज़ हर किसी को समझ में ना आए. रेजिंग यहाँ पर जेरंड है, रेजिंग यहाँ पर जेरंड है. जेरंड क्या होती है, एक झलक मैं कहूँ, जेरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो नाउन की तरह बिहेव करती है. जेरंड इंग्लिश में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो नाउन की तरह बिहेव करती है. जरा बच्चों वाले एग्जांपल देखें जो हम बचपन से रटकर आए थे. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना बहुत अच्छी आदत होती है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग क्या है, तो यहाँ कोई तैर नहीं रहा, यहाँ पर स्विमिंग एक तरह से किसी एक्सरसाइज का नाम है और स्विमिंग एक तरह से यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसके लिए इज लिखा गया है वर्ब उसकी. एक और सुना होगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, भाई चलना शरीर के लिए अच्छा होता है. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर वॉकिंग कोई वर्ब नहीं है, चलना एक नाउन है, जेरंड कहा जाता है. जरा सेंटेंस चेक करते हैं. उसने अपने बच्चे को अप्रूव नहीं किया, सन. उसने क्वेश्चन उठाने को अप्रूव नहीं किया, तो दो दो ऑब्जेक्ट कहां से लगाएंगे. एक रूल होता है ग्रामर में, इसका सैंपल वर्जन कहना चाहूं, मुझे उसका जाना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा बोलना पसंद नहीं है, तो क्या कहना चाहूंगा, तुम्हारा बोलना, यू टॉकिंग या योर टॉकिंग, तुम्हारी एक्टिंग बहुत प्यारी है. योर एक्टिंग कहा जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव या फिर अपोस्ट्रोफी एस. सन यहां पर नाउन है, रेजिंग यहाँ पर रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस वापस नाउन है, उल्टे सीधे प्रश्न पूछना, बेटा भी नाउन है. तो ऐसा नहीं होगा कि उसने अपने बेटे के स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने पर रोक लगाई और जो भी किया उसके आगे. सन और रेजिंग जेरंड है, नाउन है और एक तरह से रूल होता है. कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग समझ रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो भाई वर्ब के चैप्टर में क्लैरिटी लीजिएगा. सन्स रेजिंग हो जाएगा, सन अपोस्ट्रोफी एस रेजिंग, ठीक उस तरह जैसे सन को नाउन मान लीजिए जो है पहले से, रेजिंग भी नाउन है जिसको कार मान लीजिएगा. तो राम कार कहां लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं राम्स कार. बेटे का प्रश्न पूछना, मुझे अच्छा नहीं लगा. तुम्हारा बोलना, उसे पसंद नहीं आया. उसका जाना अभी तक कंफर्म नहीं है. रवि का जाना कंफर्म नहीं है. अब रवि के जाने को क्या कहिएगा, रवि नाउन है, जाना गोइंग हो गया, तो रवि गोइंग, जी नहीं, रवीज गोइंग, रवि का जाना, रवि का आना, तो रवीज कमिंग. उसका बोलना, उसका खाना, उसका पीना, अपने बेटे का क्वेश्चन पूछना, उसे पसंद नहीं आया या पसंद आया, जो भी एक्शन है उसमें. तो सन रेजिंग ना होकर सन्स रेजिंग कह दीजिएगा, सन्स रेजिंग. सन अपोस्ट्रोफी एस एडजेक्टिव बना दिया, रेजिंग नाउन है, जेरंड है और नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव्स आते हैं. राम्स कार कहना सही होगा, सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस. There is no post office in the first and second lane. मुझे याद है जस्ट पिछली स्लाइड में एक सेंटेंस इसी तरह का था, द फर्स्ट एंड सेकेंड लेन गलत है, करेक्शन उसी तरह कर दीजिएगा, द 18th एंड 19th सेंचुरी गलत था. तो इसको भी दो तरीके से सही किया जा सकता है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेन, द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेन, या फिर द फर्स्ट एंड सेकेंड लेन्स कर दीजिएगा, द फर्स्ट एंड सेकेंड लेन्स, या फिर द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेन कर दीजिएगा. बोथ वेज आर करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद कई चीजें आप नहीं सीख रहे हैं. द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम. ये वही एरर है जो पिछली स्लाइड में थी. उसने अप्रिशिएट किया अपने स्टाफ को, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया. आने को, समय पर आने को, समय पर आना नाउन है, कमिंग यहां पर जेरंड है, स्टाफ पहले से नाउन है. तो हिंदी में देखेंगे, उसने अपने स्टाफ समय पर आने को अप्रिशिएट किया, या अपने स्टाफ के समय पर आने को, अपने बच्चों का समय पर आना मुझे घर पर अच्छा लगता है. तो स्टाफ कमिंग, नाउन दो बार साथ में नहीं आएगी, स्टाफ्स कमिंग, स्टाफ अपोस्ट्रफी एस कमिंग ऑन टाइम, स्टाफ का समय पर आना, तुम्हारा लेट जाना, उसका समय पर आना. तो समय पर आना यहां नाउन है, कमिंग यहां नाउन है, स्टाफ नाउन है, और दो नाउन साथ में नहीं आएंगी, एक नाउन का दूसरी नाउन पर हक हो सकता है अपोस्ट्रोफी एस से. स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, स्टाफ अपोस्ट्रोफी एस कमिंग ऑन टाइम. इट इज ट्रू
that I met the chief minister at one of my friend's houses. थोड़ी देर पहले आपने इस चीज़ को याद किया, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये इतनी ईजी भी चीज़ें नहीं हैं. जिसको आती हैं बहुत अच्छी बात है, बट हम में से कई लोगों को नहीं आती होंगी, तो इतना ईजी नहीं है कि हम एक एग्जाम्पल से उसको याद रख पाएं. इसीलिए कोशिश की है कि एक आध एग्जाम्पल उस बात का और दिखा दिया है. एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज, मैंने थोड़ी देर पहले मना किया था, वन ऑफ द के बाद अपोस्ट्रोफी एस का कॉलम नहीं बनता, ये वही गलती है. आप इसको फिर से वापस लिख दीजिए, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, ये वही गलती है. मेरे दोस्त में से एक के घरों पर, मेरे दोस्त में से एक के घरों पर ऐसा लिखा हुआ है सेंटेंस में, पढ़ लीजिए. वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, पहले तो फ्रेंड्स करो, तो क्यों लिखें, हम सादा लिखेंगे. इट इज ट्रू कि मैं उससे मिला था, उस चीफ मिनिस्टर से मिला था, कहां पर, एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से किसी एक दोस्त के घर पर उससे मिला था. द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफियस का कॉलम वन ऑफ द के बाद अलाउड नहीं है. द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स. द नेक्स्ट वन, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर्स. कोई बहुत बड़ी एरर नहीं है, हम में से कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा, बट जनरल लाइन कहूं, जो लोग कुछ कम नॉलेज रखते हैं और अभी पढ़ने के लिए पर्पज से थोड़ा एक्टिव हैं, प्लीज समझें. जनरल तौर पर कमांडर में एसीएस लगता है, बच्चा रट लेता है, कमांडर में ही एसीएस लगता है. याद हो मैंने भी पढ़ाया था, आप भी पढ़े होंगे, कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ होता है, सन इन लॉ का प्लूरल सन्स इन लॉ होता है, डॉटर इन लॉ का प्लूरल डॉटर्स इन लॉ होता है. तो भाई वो बात तो जायज थी कि डॉटर प्रिंसिपल नाउन थी, मेन नाउन थी, चीफ नाउन थी, जिसमें कि एसीएस लगाकर उसका प्लूरल बनाना है. क्या आप यहां प्लूरल बना रहे हैं? तो हमें सुनने में रटे हुए शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, कमांडर्स इन चीफ, वाह बढ़िया, शांति का एहसास हुआ है. गलत है. जब हमें किसी का हक दिखाना हो, तो मैंने पढ़ाया था, रिकॉल करूं या आप पढ़े होंगे, जब तीन चार शब्दों से किसी समान चीज का हक दिखाया जाता है, अपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वर्ड में लगाते हैं. राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पिता दशरथ थे. ऐसा नहीं होता राम के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पिता दशरथ थे. जब भी हम चार पांच चीजों का समान हक दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफी हमेशा आखिरी शब्द में लगती है. तो मैं तो दोनों लाइन कहूंगा, अगर यहां प्लूरल बनाया होता कमांडर्स इन चीफ सही था, लेकिन अपोस्ट्रोफी नहीं आती जो आपकी स्लाइड में आपको दिख रही होगी. लेकिन हाँ भाई, कई सोल्जर्स ने टर्न अ डेफ ईयर, एक इडियम होती है, बहुत जल्द मैं वोकैबुलरी की भी वीडियो अपलोड करूंगा. टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुनी कर देना टू देयर कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स, भाई उनके ऑर्डर्स की उन्होंने अनसुनी कर दी. तो कमांडर इन चीफ यहाँ नाउन नहीं है, उनके ऑर्डर्स की बात हो रही है, इनके ऑर्डर्स. और जब तीन चार शब्दों से हमें एक चीज का हक नजर आता है, अपोस्ट्रफी हमेशा आखिरी शब्द में लगाई जाती है. द करेक्शन मस्ट बी कमांडर इन चीफ अपोस्ट्रफी एस ऑर्डर्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स. तो दोनों लाइन है, प्लूरल बनाना हो कमांडर्स इन चीफ, और अगर हक दिखाना है अपोस्ट्रफी यूज करनी है, तो लास्ट वर्ड में करिए, चीफ्स ऑर्डर्स कहना करेक्ट होगा. सिमिलरली एक और एग्जांपल, योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल, मैंने जानबूझकर दिखाने के लिए आपको लिखा है. वैसे तो हम लोग सन्स इन लॉ लिखते हैं, बेटे दामाद कह दीजिए, लेकिन जब हक दिखाना है, पोजिशन दिखाना है, ओनरशिप दिखानी है, अपोस्ट्रफी ऐसे यूज करना है, तो वो हमेशा आखिरी शब्द में लगाया जाता है. करेक्शन होगा, सन में से अपोस्ट्रफी एस हटा दीजिएगा, बाकी ठीक है. योर सन इन लॉज फ्रेंड, योर सन इन लॉ अपोस्ट्रफी एस फ्रेंड कहना जायज होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, बहुत अच्छा सेंटेंस है, जरा थोड़ा ढंग से देखें. A friend of my wife came to me yesterday and asked me for some money. A friend of my wife came to me yesterday. सर सही लग रहा है बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी एरर है, ध्यान रखिएगा. आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जिस शहर से मैं हूँ, जो मेरे लोकल स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स हैं, और जिस आसपास के शहर से आप बिलोंग करते हैं आसपास, वहाँ पर ऐसी चीज़ें शायद नहीं पढ़ाई जाती हैं, कभी नोटिस कीजिएगा. ये हम लोग ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल पर जहाँ डेली जाते हैं तैयारी के लिए, वहाँ पर ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, थोड़ा नोटिस करें. A friend of my wife, हमें बिल्कुल सही लगेगा, गलत है, और इंग्लिश ग्रामर इसका करेक्शन देगी. A friend of my wife's, W-I-F-E apostrophe S, और बाकी सेंटेंस सही है. सॉरी नहीं समझ आया, आई रिपीट द आंसर. A friend of my wife came to me, गलत है. A friend of my wife's came to me, वाइफ में apostrophe S लगा दीजिए. क्यों लगा दें, सुनिए. थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जब एक हम चूज करते हैं या निकालते हैं, तो ज्यादा होने चाहिए, उन्हीं में से एक को बाहर निकाला जा सकता है. एक में से एक चूज कहां से करेंगे, फिर तो वो ओनली चीज होगी ना.
अब यहां सेंटेंस पढ़िए जरा, थोड़ा एडवांस्ड पार्ट है भाई, ऐसे इजी थोड़ी ना चलने वाला है। अ फ्रेंड, एक दोस्त, ऑफ माय वाइफ, तो हिंदी तो आप बाखूबी कर देंगे, आप हिंदी के कालिदास नहीं हैं जनरली। मेरी वाइफ का एक फ्रेंड आया था, तो यहां पर अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ नहीं लिखा जाएगा भाई। मेरी वाइफ का अगर एक फ्रेंड आया है और वो भी ऑफ के साथ चूज करने को दिखाया है, वन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, तो ज्यादा होने चाहिए जिसमें से एक दो चार मैं चूज कर सकता हूं। अगर मेरी वाइफ का एक ही फ्रेंड है तो मैं चूज कैसे करूं? अ फ्रेंड ऑफ चूज करने के लिए ज्यादा होने पड़ेंगे। तो एक्चुअल सेंटेंस कुछ ये बनेगा, अ फ्रेंड यानी वन फ्रेंड ऑफ आउट ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स, मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड। आई रिपीट, अब तो शायद समझ में आया हो, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स, मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड घर पर आई थी या आया था। अ फ्रेंड, वन फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स, अब ठीक है, वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक बाहर आया था, तो ज्यादा में से ही एक चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, एक और करेक्शन के तौर पर थोड़ा और बेहतर बनाएं, इंग्लिश में नाउन कभी दो बार रिपीट नहीं की जाती। हम लोग जब कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड, इसका मतलब ही है वन फ्रेंड ऑफ माय मेनी फ्रेंड्स। तो यहां भी जब नाउन इधर लिखी जा चुकी है, समझें, इजी पार्ट नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, या फिर आप यूट्यूब पर हैं, वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा बैक करके दोबारा इन चीजों को सुन लीजिएगा। अ फ्रेंड में ऑलरेडी फ्रेंड शब्द यहां नाउन के तौर पर लिखा जा चुका है, अब आप दोबारा फ्रेंड को यूज नहीं कर सकते इन द सेम स्टेटमेंट और सेम काम के लिए। तो एक्चुअल सेंटेंस जो बना, अ फ्रेंड, वन फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स, मेरी वाइफ के दोस्तों में से एक दोस्त बीमार है, इस केस में फ्रेंड जब यही लिखा जा चुका है तो वहां पर नहीं लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर वही रहेगा जो थोड़ी देर पहले कहा, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स। आई रिपीट, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स, इसमें से फ्रेंड्स हटा दीजिए, दो बार हम नाउन रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहें तो खुद के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ, अब क्या कहते हैं, वन ऑफ माय वाइफ, वन ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स, वन ऑफ माय वाइफ्स फ्रेंड्स, मेरी वाइफ के फ्रेंड्स में से एक, या फिर उनके फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड यहां पर आया था। तो या तो फ्रेंड को यहां लिख दीजिए, अ फ्रेंड जैसा लिखा रखा है, तो वहां से हटा दीजिएगा, अगर वहां लिखना होता तो हम यहां से हटा देते। तो योर करेक्शन मस्ट बी, आई रिपीट, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स, मेरी वाइफ के फ्रेंड्स में से एक घर पर आया था। अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ ना होकर, क्योंकि वाइफ में से फ्रेंड थोड़ी निकलेगा, वाइफ के फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड आ सकता है, तो वहां पर पोजीशन लगाकर अपोस्ट्रोफी एस यूज करें, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स केम टू मी। ईट्स पोएट्री, बेसिक पढ़ाना होता तो हम लोग सही मान लेते, आगे बढ़ जाते, एडवांस्ड है भाई। वाई बी ईट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम, इनके नाम में ही ईट्स लिखा हुआ है, YEATS, और ये वो राइटर रहे हैं जिन्हें बहुत महान माना जाता है, रोमांटिक पोइम्स वगैरह इन्होंने कई लिखी हैं। लेकिन ध्यान दें, डिस्टिंक्शन है, ये अपने नाम में एस लगा होने के बावजूद भी अपोस्ट्रफी एस प्रिफर करते हैं, बुरा लगा, लगना भी चाहिए। आई रिपीट, हमने जो अपोस्ट्रफी एस पढ़ी थी मुझसे या कहीं से भी जो आपने पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा कि जनरल तौर पर अपोस्ट्रफी एस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आखिरी लेटर एस नहीं है या उसका साउंड नहीं है। तो डब्ल्यू बी ईट्स, इनकी स्पेलिंग में ही एस आता है, ये तो शब्द ही गलत है, उनका स्पेलिंग नहीं है ये नाम की, उनका स्पेलिंग होती है YEATS, और एस होने के बावजूद भी, गूगल कर लीजिएगा इफ यू वॉन्ट टू वेरीफाई, अदरवाइज ट्रस्ट मी, YEATS उनका नाम है, फिर भी वो उसमें अपोस्ट्रफी के साथ एस यूज करते हैं जो जनरल तौर पर यूज नहीं किया जाता। डिस्टिंक्शंस आर ऑलवेज देयर, इसीलिए ये गलत है और आपको लिखना होगा ईट्स इज पोएट्री, डिस्टिंक्ट है जानबूझकर, तभी तो एडवांस में लिखा, नहीं तो बेसिक में करके गलत नहीं हो जाता। ईट्स YEATS अपोस्ट्रफी एस पोएट्री इज कैरेक्टराइज बाई हिज यूनिक स्टाइल, जो भी आगे लिखना चाहा है। तो ईट्स, डिकन्स, ऐसे कई शब्द हैं, कई राइटर्स के नाम हैं जो अपने नाम में एस होने के बावजूद भी अपोस्ट्रफी एस लिखते हैं, अगर रिपीट हो एग्जाम में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स, कुछ लोगों के दिमाग में तो आया होगा ऑडियंस वर क्यों लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, यस वी आर करेक्ट, यू आर इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज नो एरर, यहां कोई गलती नहीं है। समझाना चाहूं, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन होती है, श्रोतागण जो आप कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन एज यूजुअल, अगर किसी को ग्रामर में दिक्कत है तो नाउन पूरी यूट्यूब पर ऐड कर दी है मैंने, आप पहले उन चीजों को रेफर कर लीजिए, नाउन हर चीज के लिए। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जनरल तौर पर सिंगुलर मानी जाती है,
जब उसे एकजुट, एक मत और एक सहमति से दिखाया गया हो, सर्वसहमति से दिखाया गया हो, लेकिन जब वो बट जाती है तो उसे प्लूरल दिखाते हैं। ज्यादा डिस्क्रिप्शन वीडियो में देखें। हाल फिलहाल इस लाइन को माने कि कलेक्टिव नाउन जुड़ी हुई है तब तक सिंगुलर है, बटने के बाद उसे प्लूरल माना जाता है। तो यहां देखिए जरा, अगर ये सिंगुलर है तो क्या सारी ऑडियंस चेयर एक ही पर बैठ जाएगी? जितने भी श्रोतागण हैं वो एक चेयर पर तो नहीं बैठने, वो अपनी अपनी अलग अलग चेयर पर बैठेंगे। और जब कलेक्टिव नाउन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो प्लूरल वेरिएशन देती है। तो किसी भी सेंटेंस में आप कह सकते हैं ऑडियंस खुश हो गई, द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड कह दीजिएगा। लेकिन ऑडियंस ने अपनी चेयर ले ली तो सारी एक चेयर नहीं ले सकती, अपनी अपनी अलग अलग चेयर पर आपको बैठना होगा। इसीलिए करेक्शन रहेगा, द ऑडियंस वर, जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी अलग अलग चेयर आपको मेंशन करनी है। कलेक्टिव नाउन जुड़ी हुई होने पर सिंगुलर सेंस दिखाती है और बटने के बाद प्लूरल सेंस दिखाने लायक हो जाती है। द ऑडियंस वर, क्योंकि उनकी अलग अलग चेयर का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, याद आए सराउंडिंग्स होता है, जी हाँ सराउंडिंग्स मतलब आपके आस पड़ोस का वातावरण तो नहीं कहूंगा बिकॉज हिंदी में सिंगुलर नजर आता है, आप उसे इंग्लिश में ही याद रखें, आपके आसपास का जो भी जगह है उसे इंग्लिश में सराउंडिंग्स कहते हैं। तो सराउंडिंग होता ही नहीं है, जनरल तौर पर हम एग्जाम में जाएं तो सराउंडिंग देखते ही गलत कर दीजिएगा, सराउंडिंग्स लिखा जाता है। आपके आस पड़ोस के वातावरण माहौल को सराउंडिंग्स कहते हैं, एरिया आपके आसपास का, आउटस्कर्ट्स याद है शहर के बाहर का एरिया, आउटस्कर्ट्स होता है, आउटस्कर्ट नहीं, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। नेक्स्ट वन, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, हिंदी में तो अच्छा लगता है, हिंदी मतलब हमारी वाली इंग्लिश, ऐसा नहीं लगता हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश भी 10-20 साल आगे चल रहे हैं, 100-150 साल आगे हैं, हमें हर चीज सही लगती है, बाद में पता चलता है ये तो गलत था। चलिए, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, ड्राइवर बहुत टैलेंटेड था, सुनने में अच्छा है, ग्रामेटिकली गलत है। अब भी ये क्यों गलत है सर, आप प्लीज, हमें तो भी सही लग रहा है। दो शब्द होते हैं टैलेंट और स्किल्स, टैलेंट स्किल्स। टैलेंट वो चीज़ है जो आप लेकर पैदा होते हैं, स्किल्स वो चीज़ें होती हैं जो आप मेहनत करके डिवेलप करते हैं। आई रिपीट, टैलेंट इंसान लेकर पैदा होता है, टैलेंटेड जिसे आप कहते हैं, और मेहनत करने के बाद वहाँ पर स्किल्स डेवलप की जाती हैं। तो ज़रा चेक कीजिए, भाई वो 4 साल का बच्चा है, डांस भी कर लेता है, इतना प्यारा डांस करता है, कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी उस 4 साल के बच्चे ने, गाता भी है, ईश्वर की देन है कि वो सारी चीज़ें उसे आती हैं, उसे टैलेंटेड कहा जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग कम्युनिकेशन माँ के पेट से बोलना सीख कर नहीं आते, बोलते 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 अच्छे बन जाते हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन टैलेंट होता है। कम्युनिकेशन की आपने स्किल्स सुनी होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ड्राइविंग कौन सा हम माँ के पीछे से सीख कर आते हैं, भाई प्रैक्टिस करते हैं, पहले दिन अजीब लगता है, धीमे 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 बेहतर बनते जाते हैं। तो जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिस से सीखते हैं वो हमेशा स्किल्स कही जाती हैं, टैलेंट आप नेचुरल लेकर आते हैं। इसीलिए ड्राइवर जो था, ड्राइवर ने मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने के बाद ही उसे गाड़ी चलाना अच्छा आया, जैसे हमें आता है, इसीलिए ड्राइवर का यहाँ टैलेंट नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर ड्राइवर की स्किल्स कही जाएंगी। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल्स इन कीपिंग द कार द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ग्रेट स्किल्स बिकॉज ड्राइवर था। अगर 4 साल का बच्चा डांस कर रहा होता, द कपिल शर्मा शो में जो कपिल आते हैं, मेरी बात नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे ह्यूमरस इंसान है, मजाक करने का नेचर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कौन सी कोचिंग पर जाकर उन्होंने सीखा था, तो वो जो उनके पास है वो उनका टैलेंट है। लेकिन अगर वो बोलना अच्छा सीखते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना सीख गए, तो इंग्लिश वो माँ के पेट से सीख कर नहीं आए थे, तब उसे आपको वहाँ पर स्किल्स कहना होगा। टैलेंट इनबॉर्न होता है, लेकर पैदा होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं बिकॉज हम उन्हें मेहनत करके बनाते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, जब मैं बेडरूम के अंदर गया, आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, तो मुझे ज़मीन पर ना एक स्नेक मिला था। अब गौरतलब है कि हमें डिफरेंस पता होगा ग्राउंड शब्द में और फ्लोर शब्द में, आप समझ गए, जी हाँ, घर के अंदर ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंड खाली मिट्टी वाली जगह को कहा जाता है। घर के अंदर हम लोग टाइल्स और किसी भी चीज़ से फ्लोर बनवा देते हैं, इसीलिए हम लोग मेला ग्राउंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगी होती, वहाँ पर प्राकृतिक मिट्टी है जिस पर आप लोग जाते हैं। हम लोग क्रिकेट का ग्राउंड कहते हैं क्योंकि वहाँ पर मिट्टी और घास जैसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन घर पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कहा जाता है।
सर हमने ग्राउंड फ्लोर भी सुना है। जी हाँ, जो फ्लोर ग्राउंड पर बनता है, मिट्टी पर, जमीन पर, उसे ग्राउंड फ्लोर कह दीजिए। बाकी सारे तो कहीं और बनते हैं ना, इसीलिए ग्राउंड मतलब मिट्टी, जमीन, और फ्लोर मतलब आपकी टाइल्स या फिर आपके घर का इंटीरियर वाला पार्ट। तो जब मैं बेडरूम के अंदर गया तो मेरे बेडरूम के अंदर मिट्टी वाला एरिया तो नहीं होगा, वहां पर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, उसे फ्लोर कहा जाएगा, ग्राउंड नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। इंग्लिश में कीमत दिखाने के लिए दो शब्द होते हैं, प्राइस PRICE और कॉस्ट। बेसिकली कॉस्ट अनकाउंटेबल होती है। कीमत कहाँ से गिनेंगे? पार्ले जी अगर 5 रुपए का आता है, इसमें क्या गिनूं? एक बार भी 5 का आएगा, 2 बार भी 5 का ही आना, कीमत कहाँ से गिनी जाएगी? और जो आप हिंदी में कहते हैं बढ़ती हुई कीमतों ने, उसे इंग्लिश में प्राइस कहा जाता है। तो काउंटेबल नाउन जब यूज करनी हो प्राइस कहिए, कॉस्ट इंग्लिश में अनकाउंटेबल होती है। इसीलिए पिछले हफ्ते की जो भी वो सेंटेंस मीनिंग रखता है, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम, ना के कॉस्ट्स टू कम। कॉस्ट इंग्लिश में बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल रखने के लिए उसकी जगह पर प्राइस लिखा जाता है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हम लोग को रट गया होगा, कई लोग जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हैं आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इक्विपमेंट को जब आप हिंदी डिक्शनरी से सर्च करेंगे तो वो कुछ मशीन्स जैसा दिखा देगा आपको। माफ कीजिए, इक्विपमेंट उस चीज को कहा जाता है, जैसे एक कॉमन लाइन कहना चाहूं, आप पढ़ चुके होंगे, जब आप एडवांस वीडियो देख रहे हैं तो बेसिक आपको आता होगा, आशा रखता हूं, या फिर देख लीजिएगा, सारा एड है यूट्यूब पर। बट फिर भी पोइट्री गिन सकते हैं, शायद याद आए, पोइट्री नहीं गिनी जाती, लिखने की कला कहां से गिनूंगा, पोइम्स गिनी जाती हैं। जैसे हम समय नहीं गिन सकते, हम लोग घंटे, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स, डेज, मंथ्स गिन सकते हैं। जैसे हम धन नहीं गिन सकते, हम लोग रुपीज, डॉलर्स, यूरोज गिन सकते हैं, ठीक वैसे ही इक्विपमेंट नहीं गिना जाता। हमारी लैब में, बोलने में अच्छा लगेगा, ग्रामेटिकली गलत है, हमारी लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये गलत है, आपकी लैब में बहुत सारी मशीन्स हो सकती हैं, बहुत सारे टेलीस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, जो कहना चाहें वो हो सकते हैं। इंग्लिश में इक्विपमेंट शब्द को अनकाउंटेबल रखा जाता है। तो मेरी लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी इनकरेक्ट, मेरी लैब में बहुत सारी मशीन्स हैं, ये कहना जायज होगा। ध्यान रखिएगा, मशीनरी भी इंग्लिश में अनकाउंटेबल होती है। तो मशीनरी, इक्विपमेंट, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ये सारे शब्द अनकाउंटेबल हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं वो वहाँ की मशीन्स हो सकती हैं। सो द कंपनी हैज ऑर्डर्ड न्यू मशीन्स कह दीजिए, या फिर न्यू इक्विपमेंट कहिएगा। इक्विपमेंट इंग्लिश में अनकाउंटेबल शब्द है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रैक्शन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज को कभी डिक्शनरी से देखिएगा, ब्रीज नाम का एक साबुन भी आता था, आता होगा शायद अभी भी। ब्रीज एक लाइट विंड को कहा जाता है, हल्की सी जो हवा चलती है उसको हम ब्रीज कहते हैं, उसे खुशबू भी कहा जा सकता है। तो हल्की खुशबू को इंग्लिश में ब्रीज कहते हैं। अब जो लाइट विंड है, ज़्यादातर आपने सुना होगा समुद्र की इलाके के आसपास जो विंड हल्की फुल्की चलती रहती है, उन्हें ब्रीज कहा जाता है। तो साबुन का नाम भी ब्रीज इसीलिए रखा गया क्योंकि मंद मंद खुशबू में, हल्की सी खुशबू उसमें से आती थी। जो चीज़ हल्की है ऑलरेडी पहले से उसका मीनिंग लाइट है, तो आप उसमें एडजेक्टिव लगाकर उसको बड़ा कैसे कर देंगे? अगर किसी के घर से कुछ खाना बनने की हल्की सी स्मेल आती है, एडजेक्टिव लगाकर उस स्मेल को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। इंग्लिश में ब्रीज लाइट विंड को कहते हैं, हल्की सी हवा, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो वो ब्रीज नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रीज का खुद का मतलब लाइट विंड से होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज इंग्लिश में नहीं कहा जाता, उसकी जगह पर आप ब्रीज शब्द का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग वहां से हटा दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज लिखना गलत है, ब्रीज लाइट विंड है जो एडजेक्टिव लगाने से, भाई इसको अगर खोल कर दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा स्ट्रॉन्ग लाइट विंड, तो जो लाइट भी है जो स्ट्रॉन्ग भी है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग ब्रीज कहना गलत होता है, आप उसे ब्रीज रहने दीजिए, लाइट विंड कह दीजिएगा। इट इज अ बिग ब्लंडर, हमने सुना होगा, एक कॉमन शब्द है ब्लंडर, इंग्लिश में बड़ी गलती को कहते हैं, मिस्टेक, गलती को कहा जाता है। तो जब बड़ी गलती खुद से ब्लंडर होती है तो उसमें बिग लगाने से क्या वो बड़ी बड़ी गलती बन जाएगी, सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है। इंग्लिश में एक शब्द होता है सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा अधिकता भी किसी चीज की बुरी होती है, उसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो ये गलत है, मिस्टेक मतलब कह सकते हैं गलती, और बड़ी गलती को इंग्लिश में ब्लंडर कहा जाता है। तो ब्लंडर में कभी भी बिग एडजेक्टिव यूज ना करें, वो खुद में ही बड़ी होती है, उसमें आप एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड्स।
इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, बट इंग्लिश में जैसे हिंदी में आपके अलंकार होते हैं, वैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं। सुना होगा शायद सिमिली, मेटाफर, रूपक और उपमा अलंकार को कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रफी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें बेसिकली अपॉस्ट्रफी एक चीज़ है जिससे पहले पर्सोनिफिकेशन आता है, हिंदी में शायद उसे मानवीकरण कहते हैं। किसी भी नॉन लिविंग को जब हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे जेंडर दिया जाता है। सुना होगा, मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिखा है बिकॉज आप ध्यान रखें कि हिंदी और अंग्रेजी समान भाषाएं नहीं हैं, समान कल्चर बिल्कुल नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग, द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। आपको देखने में अच्छा लगेगा, चंद्रमा ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा रखा है। करेक्शन, तो शायद आपने सुना हो, कभी स्कूल में पढ़ा हो, किसी पोइम या किसी टीचर ने बताया हो, नहीं तो मेरे कहने से ध्यान रखिएगा। हिंदी में जिन्हें आप चंदा मामा कहते हैं, इंग्लिश में वो मामी होती हैं। ये मजाक था, बट ऑनेस्टली इंग्लिश मामी कहे, चाची चाहे कहे, वो जाने, इंग्लिश मून के लिए फीमेल जेंडर लगाती है। आई रिपीट, इंग्लिश फीमेल जेंडर यूज़ करती है मून के लिए, जहाँ हिंदी में उन्हें मामा कहा जाता है, इंग्लिश जेंडर मून को फीमेल देती है। ऐसा क्यों? थोड़ा शॉर्ट में कहना चाहूँ, एक कोई वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा पर्सोनिफिकेशन, द फिगर ऑफ स्पीच, पर जनरली अभी सुनिए कि जितनी चीज़ें पावर और स्ट्रेंथ दिखाती हैं उन्हें हमेशा मेल में रखा जाता है, जितनी चीज़ें सुपीरियर हैं उन्हें मेल में रखा जाता है इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन के तौर पर, जितनी चीज़ें सॉफ्ट हैं और ब्यूटी रखती हैं और इन्फीरियर हैं यानी छोटी हैं उन्हें हमेशा फीमेल में रखा जाता है। तो हम तो अपनी भाषा में देखें अंग्रेजी क्या सोचती है कि चांद को सिर्फ दो काम में इस्तेमाल किया जाता है, पहला शीतलता देता है, सॉफ्ट है, जबकि सन हमेशा गर्मी देता है, एक तरह से हार्श फेस है, ज़्यादा देर बैठ गए तो जल सकते हैं, तो सन को मैस्कुलिन जेंडर देते हैं, मून को फीमेल जेंडर देते हैं। और दूसरा शीतलता देता है, सो ठीक है, चांद सा रोशन चेहरा हमेशा ब्यूटी के लिए कंपेयर किया जाता है, तो ब्यूटी और सॉफ्टनेस दोनों चीज़ों में मून इंग्लिश में फीमेल जेंडर रखता है। ध्यान रखें, चंद्रमा के लिए जेंडर आता है, सन के लिए भी आता है, सन मेल जेंडर रखता है और मून फीमेल जेंडर रखता है, तो देखने में अच्छा होगा। करेक्शन ध्यान रखें, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। आई रिपीट, द मून हैज हिडन हर फेस। देखने में बुरा लगेगा, सर मून कोई लड़की थोड़ी जिसके लिए हर आएगा, भाषा को आप कितना जानते हैं डजंट मैटर, अलंकार जब ऐड होते हैं तो हर चीज़ को हम लोग उसी तरह से ट्रीट करते हैं। चंद्रमा के लिए फीमेल जेंडर आता है, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली एक और सेंटेंस कभी शायद मैंने ऐड किया होगा, आगे कभी आएगा देखेंगे, 38 एंड 39, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। हाँ, हैव्स, सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसीलिए डिस्टिंक्शंस बनती हैं, मैंने दिखाने की कोशिश की। भारत जो एक देश है, इसकी पॉपुलेशन को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। अब क्या है और क्या नहीं है, तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा वैल्यू पैसे की बन चुकी है। जी हाँ, इंग्लिश में हैव्स नाउन होती है, हैव को आप वर्ब जानते हैं, वो वर्ब ही होती है, ये नाउन है, एच ए वी ई एस, जो सिनोनिम होता है द रिच का। अमीर लोगों को इंग्लिश में द रिच कहते हैं, द रिच पीपल, अमीर लोग, या फिर हैव्स कहा जाता है, जिनके पास है पैसा। जिनके पास नहीं है उन्हें आप द पुअर कह देते हैं, पुअर पीपल, द पुअर कह दीजिएगा पूरी कम्युनिटी, जिन्हें इंग्लिश में करेक्शन के साथ हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स कहा जाता है। नाउन में प्लूरल बनाने के लिए हमेशा एसईएस आखिर में लगता है, तो ध्यान दें, दो शब्द शायद आपके लिए नए, हैव्स द रिच पीपल, अमीर लोग, और हैव नॉट्स NOTS द पुअर पीपल, गरीब लोग। अब शायद ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, अमीर और गरीब, अमीरों को हैव्स कहते हैं, गरीबों को हैव नॉट्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, शायद हमारे लिए नए शब्द थे। एनवी स्ट्राइक्स वुमेन, एडवांस पेपर है भाई, कुछ चीजें तो अच्छी रहनी चाहिए। व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन, एनवी स्ट्राइक्स वुमेन, यह एनवी क्या होता है, डिक्शनरी में देखा, जलन, ओके, जलन तो जेलसी भी होती है, डिफरेंस क्रिएट करें। इंग्लिश में दो शब्द हैं, जेलसी और एनवियस, एनवी कह दीजिए, तो जेलस और एनवियस या जेलसी और एनवी, मुझे याद आता है एक डीओ आता है एनवी से, शायद ठीक है सुना होगा, डीओ एनवी के नाम से आता है ग्रामर। हमें अपनी चीज पर भी जलन होती है, भैया आप मेरी चीज़ ले गए हैं और तीन चार दिन से यूज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत जलन होती है कि आपने मेरी चीज़ यूज़ की, ये जलन उस चीज़ पर है जिसका हक मुझ पर है। और आप अपनी नई कार में घूमते हैं जो आपने खरीदी है चमचमाती हुई, उसमें घूमते हैं, मुझे बहुत जलन होती है क्योंकि वो चीज़ आपकी है,
इस जलन को इंग्लिश में जेलसी नहीं कहा जाता। ध्यान रखें, जब हम अपनी चीज़ पर जलन दिखाते हैं, हक दिखाते हैं, उस जलन को जेलसी कहते हैं, जिसे आप जानते हैं। जब हम दूसरे की चीज़ पर जलन दिखाते हैं, उसे एनवी कहा जाता है, ENVY, जो आपके सेंटेंस में लिखा गया है। तो एनवी दूसरे की चीज़ पर जलन होती है, जेलसी खुद की चीज़ पर जलन होती है। सेंटेंस देखते हैं, एनवी स्ट्राइक्स वुमेन, किसी भी औरत को बुरा लगता है, जलन होती है, व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन, जब वो खुद के हस्बैंड को दूसरे से बात करने के लिए देखती है। तो इस सेंटेंस को मैं दो तरह से रखूं, जब वो अपने हस्बैंड को दूसरे से बात करती देखती है उसको जलन होती है, जब वो किसी और के हस्बैंड को किसी और से बात करते देखती है तब उसे जलन होती है। ये दोनों जलन अलग अलग हैं। जब हस्बैंड उसका है, यानी उस चीज़ पर हक उसका है, उसे जेलसी कहा जाएगा, और जब किसी और की चीज़ पर किसी और को जलन होती है तो उसे एनवी कहा जाता है। तो यहाँ पर एनवी की जगह पर जेलसी लिखना होगा, मस्ट बी योर आंसर। डीओ का नाम एनवी यूं ही तो था, भाई खरीदा मैंने है, पैसे मैंने खर्च किए हैं, लगाया मैंने है, अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है, जलन आपको होती है, तो मेरी चीज़ पर आप जलन रखते हैं, इसीलिए उसको एनवी कहा जाता है। एनवी जलन खुद की चीज, दूसरे की चीज़ पर, और जेलसी जलन खुद की चीज़ पर। नेक्स्ट स्लाइड, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वन्स वर्ड्स। शायद मुझे याद है ये पिछले शीट में आ चुका होगा, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी अच्छी चीज़ थी, हो सकता है रिपीट हुई हो। वर्ड इंग्लिश में काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। जब वर्ड का मतलब लिखे गए शब्दों से होता है तब उसे गिना जा सकता है। वर्ड का मतलब जब लिखे गए शब्द हैं किसी सेंटेंस, पैराग्राफ, एप्लीकेशन और लेटर के, तब वो गिने जा सकते हैं। UPSC, राइट एन एसे इन 250 words, तो वो तो मैं गिन सकता हूँ। लेकिन इंग्लिश में वर्ड का मतलब प्रॉमिस से भी होता है। जैसे हिंदी एक कहावत लिखती है, वो अपनी बात का पक्का है, ना कि बातों का पक्का है। तो जनरल तौर पर जब वर्ड का मतलब प्रॉमिस से हो, अनकाउंटेबल, SES नहीं लगता। जब वर्ड का मतलब शब्दों से है, काउंटेबल, SES लगाया जा सकता है। सेंटेंस देखें, हर इंसान को अपनी बात पर पक्का रहना चाहिए। तो जब आपने बात कहनी चाहिए है, तो उस केस में वर्ड में SES हटा दिया जाएगा। वन मस्ट ऑलवेज बी ट्रू टू वन्स वर्ड, अपने प्रॉमिस तो बनाकर रखे भाई, बात का प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इसी केस में वन मस्ट बी ट्रू टू वन्स वर्ड, नॉट वर्ड्स। अगर यही सेंटेंस के लिखे गए शब्द होते गिने जा सकते थे, वर्ड्स लिखना सही था। यहां पर आप प्रॉमिस के तौर पर वर्ड का इस्तेमाल करें। यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। Difference between sign and signature, तो मार्क कीजिए। साइन वर्ब होती है, वो वाला आंसर नहीं चाहिए, साइन सर वो निशान होता है, सिग्नेचर ये होता है ना, जस्ट वन वर्ड। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, साइन एक वर्ब होती है, तो कभी चेक कीजिएगा शीट्स पर लिखा होता है, साइन हियर, यहां पर साइन करें, वर्ब थी, इंपेरेटिव स्टेटमेंट था, कमांड थी, रिक्वेस्ट थी, ऑर्डर थी। और पुट योर सिग्नेचर हियर, यहां पर सिग्नेचर, पुट योर एडजेक्टिव है के बाद नाउन आती है, सिग्नेचर ही है, जस्ट वन वर्ड में आंसर है। कौन ढूंढे, उसने निशान बनाया था, साइन किया था या सिग्नेचर किया था, जस्ट वन लाइन। साइन वर्ब होती है, आई साइंड देयर, मैंने वहां साइन किए थे, और सिग्नेचर उसका नाउन फॉर्मुलेशन है। तो साइन और सिग्नेचर, साइन वर्ब है, सिग्नेचर नाउन है। चेक करें क्या चाहिए, यू शुड नॉट पुट योर, आपके, अब आपका एडजेक्टिव होता है, इसके बाद हमेशा नाउन आती है, इसीलिए योर साइन ना होकर योर सिग्नेचर। अगर उसमें खो जाएंगे कि साइन मतलब चिन्ह है, निशान है, डजंट मैटर, ग्रामर, साइन वर्ब है, यहां पर आपको नाउन चाहिए। यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर जो आपने ना पढ़ा हो। साइन वर्ब, सिग्नेचर नाउन। When we reached the fair, जब हम लोग मेले में पहुंचे, we found that there was no place on the bench. I hope मैंने आपको बता दिया है कि बेंच पर बैठने वाली जगह को प्लेस नहीं कहते, स्पेस नहीं कहते, रूम कहा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दे चुका हूँ, ध्यान रखें, there was no room on the bench, ध्यान रखिएगा। My cousin brother is a cheater. दो करेक्शन हैं, पहला cheater, याद आया, इसी शीट में था, इसी वीडियो में था। चीटर तो अमेरिकन शब्द है, बोलचाल की भाषा में होगा, ब्रिटिश इंग्लिश में गलत माना जाता है। तो पहला करेक्शन सेकंड पार्ट में जो है, फर्स्ट पार्ट में जो है, चीटर गलत है, चीट कहिए, रिवीजन हो गया आपका, शायद ध्यान रखिएगा। और कजन ब्रदर, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड लिखती है, ऑक्सफोर्ड के शब्द बोल रहा हूँ, कि इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है। जैसे हिंदी में और हिंदी कल्चर में हम चाचा, ताऊ, मामा के लिए बहुत सारे रिलेशन रखते हैं, तो ऑक्सफोर्ड में लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इतने रिलेशन डिफ्रेंशिएट नहीं किए जाते हैं, वहाँ थोड़े कॉमन रिलेशन चलते हैं। तो जनरल तौर पर हम लोग कज़न कहने से ही भाई बहन को मान लेते हैं।
डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती कि वो भाई है कि बहन है, और इंग्लिश ऐसा मानती है। आपका कल्चर नहीं है, आप दूसरे का कल्चर उसी की तरह से फॉलो कीजिए। तो ग्रामेटिकली इंग्लिश में कजन ब्रदर लिखना या कजन सिस्टर लिखना गलत माना जाता है। आप बखूबी जानते होंगे, जिसमें मैंने शेयर कर दिया है, तो माई कजन इज अ चीट, योर कजन इज अ चीट, नॉट योर कजन ब्रदर और सिस्टर। अंग्रेजी रिलेशन बहुत कम दिखा पाती है, हिंदी में तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं, इसीलिए वो लोग कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर कहना सही नहीं मानते। आप कज़न कह दीजिए, भाई बहन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उस केस में आपका आंसर जायज़ रहेगा। तो दो करेक्शन के साथ फर्स्ट लाइन, माई कज़न इज़ अ चीट, नॉट माई कज़न ब्रदर इज़ अ चीटर। चीट होता है ब्रिटिश इंग्लिश, धोखेबाज, और चीटर अमेरिकन इंग्लिश में है। कज़न ब्रदर इंडिया में बोला जाता होगा। ऑक्सफोर्ड के तौर पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश कजन को ही सही मानती है। माई कजन इज अ चीट। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर। टेक्निकली कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं देती, ऑर्डर्स भेजती है। तो जब कोर्ट की बात आए या ऐसी किसी भी चीज की बात आए तो लॉ के तौर पर वहां पर ऑर्डर्स कहे जाते हैं, ऑर्डर नहीं कहा जाता। करेक्शन होगा, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर। आई रिपीट, Orders have been issued, not order has been issued. I repeat, technically court हमेशा orders भेजती है। एक technical शब्द है, जैसे आपको याद हो शायद मुझसे पढ़े या कहीं से भी, summons, जबकि वो तो singular था, ये तो plural formulation में आता है। Orders, और अब verb भी change कर दीजिएगा, has been, ना, have been issued. I repeat, orders have been issued. Ration has run out. Ration सही तो है, गलत है। इंग्लिश राशन्स लिखती है, और राशन्स लिखने के लिए वर्ब भी हैज की जगह हैव लगाती है। सर आप तो हर चीज़ को गलत कर देते हैं। भैया आप चेक कीजिए ना, सिखाने के लिए पूछा है, कोई शो ऑफ थोड़ी कर रहा हूँ मैं। राशन्स लिखा जाता है, क्यों? तो बुक में आंसर लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन मैंने तो नहीं पढ़ा। ऑक्सफोर्ड लिखती है कि राशन का मतलब होता है एक दिन का खाना पीना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सोल्जर्स को भेजा जाता था। आई रिपीट, राशन एक दिन के खाने पीने को कहा जाता है, जो कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डेली उन सोल्जर्स को खाने के लिए भेजा जाता था। उनको एक महीने का नहीं भेज सकते, खराब हो जाएगा। पर डे उनको खाना भेजा जाता था, जिसे राशन कहते हैं। ठीक, क्या पिताजी जब घर पर लाते हैं तो वो एक दिन की शक्कर, एक दिन लायक चावल, एक दिन के लिए दाल, एक दिन के लिए पत्ती लाते हैं? नहीं, वो स्टॉक में पूरे महीने भर के लिए या फिर हफ्ते या 15 दिन के लिए तो लाते होंगे। इसीलिए हम लोग राशन, सुनने में तो अच्छा लगता है राशन कार्ड, लेकिन इंग्लिश उसे राशन न मानकर राशन्स मानती है। क्यों? बिकॉज महीने भर का खाना पीना जब हम स्टॉक में रखते हैं, उस केस में वो एक दिन का तो नहीं है, एक दिन का राशन था, महीने भर का राशन्स कहना होगा। तो शायद हम नहीं जानते थे, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में राशन नहीं होता, उसे राशन्स कहा जाता है। ध्यान रखें, राशन एक दिन का खाना पीना, और घर पर जो हम लोग यूजुअली महीने भर का स्टॉक रखते हैं, उसे राशन्स कहते हैं। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, राशन्स हैव रन आउट। द मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग। हिंदी भाई, ज्यादा मेजॉरिटी को तो, बहुमत को, जो भी आप कहना चाहें, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। द मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग, ध्यान दें, मेजॉरिटी ज़्यादा को कहा जाता है। ज़्यादातर लोग मेरे साथ सहमत हैं, और जब वो ज़्यादा हैं तो वर्ब में एस ई एस क्यों आएगा? शायद आप भी जानते होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट अपनी वर्ब में एस ई एस रखता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट अपनी वर्ब में एस ई एस नहीं रखता। तो मेजॉरिटी ज़्यादा को कहा जाता है। अब हिंदी में बोलने में अच्छा लगे, इंग्लिश में मेजॉरिटी प्लूरल शब्द को रिफ्लेक्ट करती है, जब ज़्यादा के लिए है, और उस केस में वर्ब एस ई एस नहीं रखती हैं। तो योर आंसर मस्ट बी द मेजॉरिटी लाइक रीडिंग ऐसी ऐसी स्टोरीज, जो आप कहना चाहें। आई रिपीट, मेजॉरिटी प्लूरल फ्रैक्शन रखती है, जब काउंटेबल का सेंस दिखाती है। इस केस में इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, यानी एस ई एस नहीं आएगा। द मेजॉरिटी लाइक रीडिंग। नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट सेंटेंस, ही गोज फिशिंग। हम वर्ब में पढ़ेंगे ही गोज फिशिंग। सर ऐसा नहीं होता मछली पालन के लिए जाता है, मछली पकड़ने के लिए जाता है। गो फॉर वॉकिंग, गो फॉर सिंगिंग, गो फॉर स्विमिंग, ये सारे सेंटेंस गलत हैं। गो के साथ आईएनजी खुद आती है। वर्ब में पढ़ेंगे, हाल फिलहाल ध्यान रखें, ही गोज फिशिंग लिखना डायरेक्टली करेक्ट है। ही गोज स्विमिंग, ही गोज सिंगिंग, ही गोज जो आप कहना चाहें शॉपिंग, गो शॉपिंग डायरेक्टली कहा जाता है। गो फॉर शॉपिंग नहीं होता इंग्लिश में, गो शॉपिंग होता है। तब तक आप जज करें, मैं तो वर्ब में पढ़ाऊंगा। ही गोज फिशिंग एवरी डे, वो तो हर रोज भाई मछली पालन के लिए जाता है, मछली पकड़ने जाता है, एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेज। इंग्लिश में दो शब्द हैं, हेयर, एच ए आई आर।
जनरल तौर पर हो सकता मैंने सेंटेंस को आगे मार्क किया हो, यदि नहीं किया है चलिए यहीं से समझा देता हूँ कि हेयर और फिश को इंग्लिश में डिस्टिंक्शन क्रिएट की जाती है। बाल गिने जा सकते हैं 1, 2, 4, 5, बट इन सबको कहाँ तक गिनेंगे? तो लॉजिकली और प्रैक्टिकली बाल अनकाउंटेबल होते हैं। ग्रामर बना नहीं करती कि अनकाउंटेबल हैं, वैसे तो हम गिन सकते हैं। ठीक वैसे जैसे शक्कर और चावल, शक्कर को गिनना शुरू करें तो हम लोग गिन तो सकते हैं 1, 2 दाने इसके कब तक गिनेंगे। और डेली जब हम खरीद कर लाएंगे 5 किलो शक्कर तो उसके दाने खरीद कर लाते हैं, शायद नहीं, शुगर अनकाउंटेबल है। राइस में चावल हम गिन तो सकते हैं लेकिन क्या गिनकर चावल लाए जाते हैं? नहीं, तौल के भाव लाते हैं, अनकाउंटेबल। सिमिलरली जब हेयर की बात करते हैं तो हेयर इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि सर के बाल गिने जा सकते हैं बट इतने होंगे कि हम प्रैक्टिकली इनको नहीं गिन सकते, इसीलिए इनको अनकाउंटेबल माना गया। आई रिपीट, इंग्लिश में हेयर शब्द अनकाउंटेबल है। तो आपके बाल बहुत सुंदर हैं, उसके बाल घुंघराले हैं, ये हिंदी है। इंग्लिश लिखेगी हर हेयर सिंगुलर अनकाउंटेबल इज करली। आई रिपीट, हर हेयर इज करली, ना कि हर हेयर्स आर करली। इंग्लिश में हेयर अनकाउंटेबल है। और ठीक वैसे ही फिश भी अनकाउंटेबल होती है। कई राइटर्स ने अलग अलग मत रखा है फिश के लिए, कुछ लोग इसे काउंटेबल भी मानते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटीज को फिशेस भी कहते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के लिए आप ध्यान रखें, जनरल तौर पर मछली शब्द अनकाउंटेबल नाउन में जाता है। तो यहां पर जो अलॉट ऑफ फिशेज लिखा है वो गलत होगा, अलॉट ऑफ फिश कह दीजिएगा। आई रिपीट, जनरल तौर पर फिशेज नहीं होता, उसे फिश कहा जाता है। थोड़ा एडवांस्ड सुनिए, अगर सर के बाल अनकाउंटेबल हैं, ठीक है भाई नहीं गिन सकते, अगर किसी नदी तालाब समुद्र की मछलियां नहीं गिनी जा सकती, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैंने सुबह जब शर्ट उठाई पहनने के लिए तो यहां 3 बाल पड़े हुए थे, वो 3 बाल तो गिन सकता हूं ना। जब मैंने खाना खाना शुरू किया तो शुरू में ही 2 बाल निकल आए तो वो तो गिन सकता हूं ना। उन बालों को गिना जा सकता है और काउंटेबल होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली काउंटेबल हैं। यहाँ मेरे 2 सफ़ेद बाल हैं तो 2 सफ़ेद बाल तो गिन सकता हूँ ना, उसको इंग्लिश में काउंटेबल माना जाता है। लेकिन जब सर के पूरे बालों की बात करिएगा, उन्हें हम लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं गिन सकते। सिमिलरली फिश जब नदी तालाब की है नहीं गिन सकते, लेकिन बर्तन में रखी हुई फिश, मैंने भाई बर्तन में पानी निकाला 4 मछलियां आ गई तो उनको तो गिन सकता हूँ ना, वो फिश काउंटेबल है। मेरे घर पर एक्वेरियम है जिसमें कि 9 मछलियां हैं तो वो 9 मछलियां गिनी जा सकती हैं। जनरली फिश अनकाउंटेबल, हेयर अनकाउंटेबल, लेकिन बेड पर पड़े हुए बाल और किसी बर्तन में रखी हुई मछलियां गिनी जा सकती हैं, तो वहां पर फिश और हेयर काउंटेबल हैं, बेसिकली अनकाउंटेबल। Some more to go in this category. 49. Everybody gets the fruit of his doings. हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। तो ये आपको याद आए शायद, easy line है। Fruit of fruits, हम दो line use करते हैं, दो शब्द use करते हैं, sorry. Fruit मतलब खाने वाला फल और fruits मतलब मेहनत का फल। I repeat, fruit खाने वाला फल, fruits मेहनत का फल। तो everyone gets the fruit of his doings, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। यहाँ वो एप्पल और बनाना नहीं मिलना, उन्हें फ्रूट कहा जाता है। और जनरल तौर पर जो मेहनत का फल है, कर्मों का फल है, उसे फ्रूट्स कहते हैं। तो everyone gets the fruits of his doings। ध्यान रखें, इसमें गलती ये भी आती है जो बड़ी कॉमन है, हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो रिवाइज करें कि मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पसंद हैं। आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गलत है, आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आई रिपीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं होता। खाने वाला फल फ्रूट कहा जाता है, बेसिकली मेहनत का फल, कर्मों का फल, ये चीज़ें हमेशा फ्रूट्स में आ जाती हैं। तो हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, फ्रूट्स ऑफ हिज डूइंग्स। Death completes its course, मौत अपना काम करके रहती है, no one can stop it, उसे कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी देर पहले आपसे personification, अलंकार का जिक्र किया था, figure of speech in English, जहां कहा कि चंद्रमा के साथ female लगाते हैं because वो शीतलता और सुंदरता के लिए काम आता है। और वहीं आपसे कहा कि जो चीज़ें पावर दिखाती हैं, जिनके पास स्ट्रेंथ है, जो डैमेज कर सकती हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, उनको हमेशा मेल में रखा जाता है। Another distinction in English language, कि death हम लोग हिंदी में कहते हैं मौत आ गई, उसे कोई नहीं रोक सकता, आ गई, female एक तरह से।
अंग्रेजी मानती है कि डेथ से ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, हमारी शक्ति आपकी शक्ति कितनी है, मौत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इस केस में जो चीज़ पावरफुल है और डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रक्शन कर सकती है, वायलेंस कर सकती है, उसे मेल जेंडर देते हैं, तो मौत से ज़्यादा पावरफुल तो कोई भी नहीं है। इस केस में उसको हमेशा मैस्कुलिन जेंडर दिया जाता है। आई रिपीट, डेथ चूंकि पावरफुल है, स्ट्रेंथ है, वायलेंस करती है, इसीलिए उसको हमेशा मैस्कुलिन जेंडर देता है। तो मान लीजिए कि हम लोग इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हिंदी जैसा कि मौत आ गई, तो उसे बोला जाता मौत आ गया। अंग्रेज यही बोलते हैं मौत आ गया, और इसीलिए वहां पर पावर और ये सब दिखाने के लिए मैस्कुलिन जेंडर दिया जाता है। द करेक्शन मस्ट बी डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। आई रिपीट, डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। डेथ के लिए हमेशा मैस्कुलिन जेंडर, सन के लिए मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में आपके मून जैसे शब्द आ सकते हैं। ही इज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ सोहन। जरा यहां से अपना दिमाग ट्राई करें, थोड़े अच्छे सेंटेंस मिलें। ही इज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ सोहन। करेक्शन लिखिए जरा नीचे, करेक्शन। आंसर है ही इज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ सोहन्स। हाँ, ही इज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ सोहन्स। सोहन अपोस्ट्रोफी एस, खत्म। नहीं समझ आया, शायद एक सेंटेंस इस सीरीज में आया था कहीं, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, याद आया, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, गलत था, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स करना पड़ा था। क्यों? मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनमें से ही एक हो सकता है, अगर एक ही फ्रेंड है तो मैं चुनाव नहीं कर सकता, चूज नहीं कर सकता। यहां भी वही है, ही इज अ अच्छा फ्रेंड, बुरा फ्रेंड जो भी है, अ फ्रेंड ऑफ सोहन, तो वो सोहन का एक दोस्त है, तो अगर एक दोस्त है तो एक मात्र होगा, फिर अ नहीं आएगा, द आएगा, या तो द कह दीजिए, ही इज द फ्रेंड ऑफ सोहन, वो सोहन का फ्रेंड है। अगर एक है तो एक मतलब ज्यादा में से एक रहा होगा, तो इसको फिर उसी कहानी में मान लीजिए, ही इज वन फ्रेंड, अ फ्रेंड, वन फ्रेंड ऑफ सोहन, तो वन ऑफ सोहन नहीं हो सकता, वन ऑफ, वन फ्रेंड ऑफ सोहन्स फ्रेंड्स, सोहन के बहुत सारे फ्रेंड्स में से वो एक फ्रेंड है। आई रिपीट, ही इज वन फ्रेंड, जो लिखा हुआ है, अ फ्रेंड ऑफ सोहन्स फ्रेंड्स, सोहन के जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनमें से एक है। और जैसा आपसे कहा, दो बार नाउन रिपीट नहीं होती, तो या तो यहां लिख दीजिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, या फिर वन फ्रेंड ऑफ माइन, या फिर सोहन्स कर दीजिएगा। तो ध्यान रखें, एक अच्छी लाइन थी, ही इज अ वेरी फास्ट, हिंदी मत कीजिएगा, हिंदी करने पे हमारी हिंदी हो जाती है, गलत हो जाते हैं और बुरा लगता है, क्योंकि हमें सही लगता है, यार नो एरर लग रहा है, गलत है। ही इज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ सोहन, हिंदी में अच्छा होगा, गलत है, सोहन्स मतलब सोहन के फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड आपके सामने है। ही इज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ सोहन्स, मतलब सोहन्स फ्रेंड्स। मोती वॉज अ वाइज डिसीजन, जरा पढ़कर देखिए क्या लिखा है, मोती किसी का नाम है, वॉज अ वाइज डिसीजन, सही है, मोती एक अच्छा डिसीजन था। इसका क्या मतलब है कि मोती अच्छा डिसीजन था? हाँ, मोती के डिसीजन में से ये वाला डिसीजन जरूर अच्छा रहा होगा, या मोती का डिसीजन अच्छा होगा, शायद ठीक कह रहा हूं, मोती अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता, मोती का डिसीजन अच्छा होगा। और यहां भी वही लिखा है, एक डिसीजन, और अगर उसने एक डिसीजन दिया है तो उसमें से एक होगा। करेक्शन फिर से सुनिए, मोतीज, मोती नाम अपोस्ट्रोफी एस, अच्छा खोल कर दिखाते हैं, एक्चुअल सेंटेंस ये लिखा हुआ है, मोतीज डिसीजन वॉज अ वाइज डिसीजन, मोती का जो डिसीजन था वो अच्छा डिसीजन था, मोती तो अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता ना, इसीलिए दो बार नाउन रिपीट नहीं करनी, जब डिसीजन वहां पर आ गया तो फिर यहां नहीं लिखना, इसीलिए यहां का नाउन हमने हटा दिया और सेंटेंस बनेगा, मोतीज, मोती अपोस्ट्रोफी एस, मोती का डिसीजन जो था वो बहुत अच्छा था, तो मोतीज वॉज अ वाइज डिसीजन। ध्यान दें, ऐसी चीजें दिल्ली में पढ़ाई जाती हैं, थोड़ा आप एडवांस रहिएगा, शायद आपको आपके घर बैठे मिल रही हैं। Moti's was a wise decision, or he is a very fast friend of Sohan's, he is a friend of my wife's, etc. कुछ और शब्द देखते हैं, she is a student of Saint Stephen, she is a student of Saint Stephen, तो गौर कीजिए, Saint Stephen किसी कॉलेज का नाम होगा जिसमें एक ही बच्चा पढ़ता है, एक ही बच्चा पढ़ता है, जी नहीं, स्टीफन्स के जो बहुत सारे बच्चे हैं इस कॉलेज के, उनमें से एक बच्चा वो है, फिर से सेम लाइन, तो एक्चुअल सेंटेंस रहेगा, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट स्टीफन्स,
सेंट स्टीफन्स मतलब सेंट स्टीफन्स के जो बच्चे हैं उनमें से, इस स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा वो भी है. तो शी इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, क्योंकि एक स्कूल में एक बच्चा नहीं पढ़ता, ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के बच्चों में से एक बच्चा वो भी है. तो शी इज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट स्टीफन्स, नॉट स्टीफन. देखने में बुरा लग रहा होगा बट यही सही है, जो हमें सही लगता है हर चीज वो सही नहीं होती. She postponed her husband going to London. मुझे याद है मैंने ऐसी एक चीज पढ़ी है, उसने अपने हस्बैंड का लंदन जाना रोका, पोस्टपोन किया, एक ही बात है. She postponed her husband, noun है, going, जाना, noun है, और husband going नहीं होता, husband's going. उसने अपने हस्बैंड के जाने पर आपत्ति जताई, उसने मेरे जाने पर आपत्ति जताई, उसने उसके खाने पर, उसके बोलने पर, उसके आने पर. जेरंड्स के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, तो हस्बैंड नाउन है, गोइंग नाउन है, जेरंड है यहां पर, और दो नाउन साथ में क्यों आएंगी, राम कार, जी नहीं, राम्स कार, राम की कार. मेरा जाना, उसके हस्बैंड का लंदन जाना, उसके हस्बैंड के लंदन जाने पर उसने आपत्ति बताई थी या फिर उसे पोस्टपोन कर दिया था. तो शी पोस्टपोन हर हस्बैंड्स गोइंग टू लंदन, हस्बैंड्स गोइंग, हस्बैंड अपोस्ट्रोफी एस, नाउन गोइंग यहां पर लिखी गई है. दो तीन सेंटेंसेस और. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रॉन्ग. सर ये तो बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू मी ये सही है, आप क्या कह रहे हैं कि ये गलत है. भई ये गलत है, कोशिश कीजिए जरा थोड़ा शब्दों को उनके मीनिंग के अनुसार समझें. जब हम अकॉर्डिंग टू मी बोलते हैं तो हम गलत बोलते हैं. फॉर्मल इंग्लिश में इंसान का मत होता है जो चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है. इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू मी लिखना बोलना गलत मानते हैं. आपके एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, उसकी जगह इन माई ओपिनियन लिखा जाता है. आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू मी को गलत मानते हैं, इन माई ओपिनियन कहना सही होता है. तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू मी वहां चलना चाहिए, गलत है. एग्जाम के लिए तो बिल्कुल गलत है, आप बोलिए, आपसे फर्क नहीं पड़ना, वैसे तो मत बोलिएगा, ग्रामेटिकली गलत होता है, बट फिर भी एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं सही माना जाता. इन माई ओपिनियन दिस इज रॉन्ग, यार मुझे लगता है ये चीज गलत है, तुम लोग गलत कर रहे हो. तो ये मेरा मत कहता है, ना कि मैं कहता हूं, और वहां पर मैं वाला सेंस ना दिखाएं. अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखा जाता, इन माई ओपिनियन, मेरी समझ में, मेरे अनुसार इंग्लिश बनाता है इन माई ओपिनियन. लेकिन हाँ, टीचर ने होमवर्क पकड़ा दिया, अब वो सुनने वाले ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द टीचर हो सकता है, भाई सर कह रहे थे मेरे को नहीं पता, सर के अनुसार तो यही होता है, भाई पापा के अनुसार तो यही रहेगा, शेक्सपियर के अनुसार तो यही रहेगा, ब्रिटिश इंग्लिश में तो ऐसा ही होता है, गीता में तो यही लिखा हुआ है. अब गीता का मत तो चेंज नहीं हो सकता ना, अगर टीचर ने होमवर्क दे दिया है तो उनका मत तो चेंज नहीं कर सकता. वहां पर कहिए अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू द स्कूल, अकॉर्डिंग टू द भागवत गीता, अकॉर्डिंग टू द महाभारत. तो इंसान का मत है, सोचने समझने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, इंसान को सोचने दीजिए. इन माई ओपिनियन ये चीज गलत है, ध्यान रखिएगा. वॉट इज योर गुड नेम, इन्हें कोलोक्वियल टर्म्स कहा जाता है. कोलोक्वियल का मतलब होता है किसी भी देश में जो भाषा प्रचलित है, वहां की नेटिव लैंग्वेज, उसी के बराबर हम किसी दूसरे देश की भाषा को रखना चाहते हैं, शब्दों के बराबर में शब्द जो उस देश में होते ही नहीं है. अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, वो मेरा भाई है, चचेरा भाई है, ऐसा भाई है, वैसा भाई है, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर. इंग्लिश तो नहीं कहती कजन ब्रदर और सिस्टर, लेकिन हम हिंदी के अकॉर्डिंग रखते हैं, हमें ब्रदर सिस्टर सही लगता है. जरा यहां देखें, एक कॉमन लाइन है हिंदी में, आपका शुभ नाम क्या है. तो जब शुभ नाम कहा जाता है, हमने उसकी इंग्लिश बना दी, शुभ इंग्लिश में अच्छा होता है, गुड नेम, नाम रख दिया. इंग्लिश नहीं मानती कि नाम अच्छा बुरा होता है. जरा नोटिस कीजिए, भाई ये शर्ट बहुत अच्छी है, अगर ये अच्छी है तो कोई बुरी भी होगी. उसका घर बहुत अच्छा बना है तो उसका घर अच्छा बना है, यानी उसका घर बुरा बना है. और अगर चीजें अच्छी बुरी होती हैं तो नाम अगर किसी का अच्छा है तो किसी का बुरा भी होता होगा, जी नहीं. अंग्रेजी मानती है कि नाम इंसान का जैसा है, जो माँ बाप की देन है या आपकी आइडेंटिटी है, वो अपने आप में खुद अच्छी मानी जाती है. इसलिए नाम के साथ अच्छा बुरा नहीं लिखा जाता. वी डू नॉट से वॉट इज अ गुड नेम, वी से वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है, अशुभ नाम क्या है, ऐसा नहीं लिखा जाता. नाम के साथ गुड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वॉट्स योर नेम, ना कि वॉट्स योर गुड नेम. आई सॉ अ बैड ड्रीम, ये कोलोक्वियल वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं. कल रात मैंने एक सपना देखा, ड्रीम. मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, बैड ड्रीम.
हमें तो सही लगता है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। इंग्लिश के पास, हिंदी के पास नहीं होगा, इंग्लिश के पास खुद का एक शब्द है बुरे सपने के लिए, एंड दैट इज, जी हाँ, नाइटमेयर। NIGHTMARE, NIGHTMARE। तो जब उनके पास खुद का शब्द है तो वो आपके टुकड़ों से क्यों बनाएंगे बुरा सपना, वो लोग अपना डायरेक्ट शब्द यूज करते हैं, आई हैड अ नाइटमेयर। आई रिपीट, आई हैड अ नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, जो डायरेक्टली एक शब्द है, तो इंग्लिश में बैड ड्रीम सही नहीं माना जाता, उसकी जगह पर हम लोग नाइटमेयर यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, आई फेल्ड टू अटेम्प्ट टू टिपिकल क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। सर ये भी गलत कहोगे आप, तो हमारे अनुसार तो ये भी सही है। ज़रा नोटिस करें, कई चीज़ों को जो हम जानते हैं वो गलत जानते हैं। आप तो भी आखिरी सेंटेंस पर हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा पिछले एक घंटे से ज़्यादा के समय में। लास्ट सेंटेंस, टिपिकल का मतलब क्या होता है? तो हम में से कई लोगों के दिमाग में होगा टिपिकल मतलब कठिन। जरा डिक्शनरी खोल लीजिएगा, वीडियो पॉज करें और डिक्शनरी खोल कर चेक कीजिए, गूगल कर लीजिए, आप पाएंगे, या देख लीजिए पहले फिर चेक कर लीजिएगा। टिपिकल मतलब होता है कॉमन, आम, साधारण। सर हो ही नहीं सकता, तो चेक कर लीजिए। टिपिकल मतलब होता है साधारण, कॉमन को टिपिकल कहा जाता है। सर हमें तो ऐसा लगता है टिपिकल मतलब डिफिकल्ट लगता है, तो जो आपके मन में राइमिंग है वो एक्चुअली साउंड की बनती है। हम लोग डिफिकल्ट कहते हैं कठिन, साउंड बोल कर देखें, डिफिकल्ट का जो साउंड आता है वो टिपिकल लगभग सेम साउंड आता है, और एक इंसान ने दूसरे से सीखा, वो गलत बोलता है, वो भी गलत बोलता है, सारे इस तरह चलने लगे। इंग्लिश में टिपिकल कहा जाता है आम कॉमन को, और कठिन को डिफिकल्ट कहा जाता है। जैसे यार मुझे एक वो बंदा देखना है, कोई ऐसा लड़का दिखाओ, कोई ऐसा आदमी दिखाओ जिसके ऊपर पगड़ी हो, दाढ़ी वाड़ी हो। एक काम करो, पंजाब चले जाओ, पंजाबी ऐसे ही तो होते हैं, टिपिकल पंजाबी स्टाइल। याद आया? हाँ जी, आप यही सुनते हैं टिपिकल, तो वो कौन सा कठिन स्टाइल होती है। आम तौर पर पंजाबी इसी लुक में मिलते हैं, टिपिकल। अगर आपको ऐसा ऐसे देखना है, जुगाड़ बनानी है, इंडिया में चले जाओ, कहीं भी आपको जुगाड़ मिल जाएगी। टिपिकल इंडियन स्टाइल, टिपिकल राजस्थानी स्टाइल, टिपिकल गर्ल स्टाइल। भैया तो टिपिकल लड़कियों वाली बात हो गई, ये आमतौर पर लड़के ऐसे काम करते हैं, उसे टिपिकल कहा जाता है। तो टिपिकल का मतलब आम होता है, कठिन नहीं होता, कॉमन होता है। अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए, एक बर्फीले इलाके में चले जाओ, टिपिकल स्टाइल है वो तो वहां की, वो तो वहां का टिपिकल डांस है। कॉमन को इंग्लिश में टिपिकल कहा जाता है। तो यहां टिपिकल क्वेश्चन छोड़कर आए थे, आम क्वेश्चंस को तो करके आना चाहिए था ना, इसका मतलब वो क्वेश्चन टिपिकल नहीं, डिफिकल्ट रहे होंगे। इस वीडियो को यहां फिनिश करूंगा और आशा करता हूं कि आपको नाउन में बहुत कुछ सिखाया। आई होप आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे हों, इफ यस थैंकफुल टू यू, और Looking forward to seeing you in the next video with some relevant content, जिसमें के vocabulary और pronoun जो हमारा next part of speech होगा उसे start करेंगे। Thanks for the support, thanks for watching this video, keep supporting, keep sharing and subscribe to my channel for complete English grammar. This is Kapildev Sharma and welcome to English by Kapildev Sharma. See you again in the next video, take care, bye bye.